everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Linking Laws platform. चाहे कितनी भी देरी हो जाए क्लास तो हम लेके रहेंगे. वादा किया था कि भैया क्लास तो हम लेंगे, चाहे लेट ही क्यों ना हो, पर क्लास आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लास के लिए हमने इतनी शिद्दत से मेहनत की है, इतनी शिद्दत से हम लोगों ने वेट किया है कि ये वाली क्लास जहां पे हम हिंदू लॉ को कंप्लीट तरीके से डील करने वाले हैं. आज जैसा कि मैंने सिर्फ आप ही को इनवाइट नहीं किया था, सब परिवार इनवाइट किया था, तो आज सिर्फ आप ही वेट नहीं कर रहे, हमारी पूरी फैमिली वेट कर रही है इस क्लास के लिए. तो इस क्लास को शुरू करेंगे अच्छे से, स्टार्टिंग पॉइंट से. लेकिन इस क्लास के साथ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी है, दैट इज इन कमिंग सेशंस हम लोग अन अकेडमी पे क्या स्पेशल चीज लेने वाले हैं. राइट, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देंगे, फिर हम हिंदू लॉ शुरू करने वाले हैं. राइट, हाँ जी. अब मैम के बारे में आप जानते हो, वेरीफाइड एडुकेटर है और किनसे डील करती है, माइनर लॉ से डील करती है और सारे स्टूडेंट्स को माइनर लॉस पसंद आ रहा है. हाँ जी, टेक्निकल ग्लिच जो थी वो खत्म हो गई. ठीक है, क्लियर, ओके. अब न्यूज ये है कि 19th ऑफ जनवरी को, दैट इज कमिंग वेनसडे को, 19th ऑफ जनवरी कमिंग वेनसडे को 9 PM हम क्या लेने वाले हैं, एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं और वो क्लास होगी हमारे लिव इन रिलेशनशिप पे. ठीक है, वो क्लास किस पे होगी, हमारी लिव इन रिलेशनशिप पे क्लास होने वाली है कि अगर कोई पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में है तो क्या हम उसको मैरिज का एक दर्जा दे सकते हैं, या फिर उस लिव इन रिलेशनशिप में बॉर्न हुआ कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट होता है कि नहीं होता है, या फिर साथ ही साथ अगर हम लोग किसी पार्टनर को जो कि फीमेल पार्टनर आपके लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या वो डीवी एक्ट के तहत उस पर्सन से, दैट इज मेल पर्सन से कोई रेमेडी, कोई रिलीफ की डिमांड कर सकती है या नहीं कर सकती है. क्लियर, ओके. चलिए, कोई भी स्पैम नहीं करेगा, कोई भी यहां पे बदमाशी नहीं करेगा. आज सारे स्टूडेंट्स जो है मस्ती मस्ती में ये क्लास देखने आए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला अगर आपके स्टेट जुडिशरी में ये पेपर है हिंदू लॉ, तब तो आपको अच्छे से करना ही करना चाहिए. और अगर गलती से भी ये पेपर है नहीं आपके हिंदू लॉ का स्टेट जुडिशरी में, तो भी हिंदू लॉ के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी शादी होने वाली है ना. अब डाइवोर्स का तो पता नहीं, लेकिन हाँ शादी डेफिनेटली होगी और तब हमारे लिए काम आएगा हिंदू मैरिज एक्ट एज वेल एज स्पेशल मैरिज एक्ट, कि क्या एसेंशियल होनी चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए. ठीक है, व्हाई हिंदू लॉ इज कॉल्ड अ माइनर लॉ, इट इज नॉट एट ऑल अ माइनर लॉ. बबीता जी बिल्कुल नहीं, ये तो देखो हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दिया कि ये सेगमेंट मेजर लॉ में सर डील करेंगे और ये सेगमेंट माइनर लॉ में मैम डील करने वाली है. बाकी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ नहीं कहेंगे कि ये माइनर लॉ, टीपीआर को कौन कहेगा ये माइनर लॉ में, काफी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है. तो ठीक है, एक सेगमेंट जरूर डिवाइड किया गया है, सेगमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज कि आपके कितना जो है उसमें स्टेट जुडिशरी में आता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको डील कर रखा है. क्लियर है, चाहिए, ओके. ठीक है, अब देखो भैया लिंकिंग लॉस की आपको पता है ये 3 क्लासेस हो गई, 14th की हो गई, 15th की सर की हो गई, 17th की अभी शिवानी मैम की चल रही है, 18th की कल जो है अपूर्वा मैम की लोकल लॉ की क्लास है और फिर आपकी जीके की 19 को क्लास है. तो आप लोगों को ये यूट्यूब पे जो 5 days a week का स्केड्यूल है ये जरा एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ईजी रहने वाला है क्योंकि अब से आप सारे स्टूडेंट्स के लिए चीजें थोड़ी ईजी बना दी है. डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं लेने का फैसला किया गया है. क्लियर, अब शुरू करते हैं हिंदू लॉ. सबसे पहली बात, हिंदू लॉ में हम डील करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट, सॉरी माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एंड डील करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. सबसे पहले ये सारे एक्ट आने से पहले हमारा जो हिंदू रिलीजन था उसको गवर्न कैसे करते थे, उसको एक चीज से गवर्न करते थे, दैट वॉज योर धर्म. हम धर्म को फॉलो करते थे, जो हमारे धर्म में दे रखा है हम उसको फॉलो करते थे. स्लोली एंड स्टेडिली ये जो धर्म है ये मॉडिफाई हुआ एंड उसके बाद अब आप इस धर्म को कहीं ना कहीं कोडिफाइड लॉ के फॉर्मेट में देख सकते हो. इस धर्म को कोडिफाइड लॉ तक आने में या कैसे आया इसको हम जानेंगे किसके माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से. ऑब्वियसली बात है जब धर्म प्रिवेल कर रहा था तब हम सब लोग नहीं थे, तो उससे पहले जब कोडिफाइड लॉ था उससे पहले जो धर्म था वो बेसिकली इवॉल्व कैसे हुआ, क्या सारी चीजें थी जिसकी वजह से अब हम कहेंगे कि ये सारा जो आज का लॉ है वो हमारे धर्म से आया है. सो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमको समझना है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ.
अब हिंदू लॉ के अगर सोर्सेज की बात करेंगे हम, तो हमारे पास हिंदू लॉ में कितने सोर्सेज हैं? हमारे पास में दो तरीके के सोर्सेज हमको मिल जाएंगे। एक है हमारे पास मॉडर्न सोर्स और दूसरा है हमारे पास एशियंट सोर्स। एक है हमारे पास एशियंट सोर्स एंड दूसरा है हमारे पास में मॉडर्न सोर्स। देखो चारों बैरक्स को भी अच्छे से डील करने वाले हैं। लगभग ये क्लास चलेगी हमारी 2.5 से 3 घंटे, तो जब मैम नहीं थकेंगी तो स्टूडेंट्स भी बिल्कुल नहीं थकेंगे। एशियन सोर्सेज को अगर देखें तो हमारे पास वहां पे क्या क्या सारी चीजें थी, वहां पे हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल रहने वाला है ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी, ठीक है। और आपको कोई दुख दुविधा दिक्कत दर शंका इशू प्रॉब्लम है हिंदू लॉ से रिलेटेड तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आज हमारी क्लास में स्टूडेंट्स तो आए हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ बुलडोजर भी आया है। अब बुलडोजर पता नहीं कौन सी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, पर ठीक है, बुलडोजर का भी हमारी क्लास में स्वागत है। एशियन सोर्स में सबसे पहले हमारे पास कुछ है तो दैट इज श्रुति। अब श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है? श्रुति कुछ भी नहीं, हमारे वेद हैं। चार प्रकार के जो वेद होते हैं वो आता है हमारे श्रुति की कैटेगरी में। अब श्रुति का मतलब ये होता है व्हाट वाज हर्ड, जो सुना गया वो आगे बताया गया। अब श्रुति जो है, वेद्स की बात करें तो हमारे पास में चार तरह के वेद हैं, वीनो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब उनके टाइप्स में या उनके मीनिंग में ना जाके नेक्स्ट सोर्स डिस्कस करेंगे, जहां पे नेक्स्ट सोर्स क्या होता है हमारा, दैट इज योर स्मृति। स्मृति का मतलब है जो चीज याद रहा, व्हाट वाज रिमेंबर्ड, वो आगे पास ऑन होता गया। कोई सेजेस ने कुछ कहा, कोई राजा महाराजाओं ने कुछ कहा, तो वहां से जो आगे चीजें डिवॉल्व होती गई वो आ गया आपके स्मृति के कैटेगरी में। थर्ड हमारे पास रहता है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। नाउ व्हाट आर डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज? ये एक तरह का आप कह सकते हो वॉल्यूम्स हैं जो कि आपके ऑथर्स ने लिखे हैं। और हमारे मिताक्षरा कोपार्सनरीज की अगर हम बात करें तो वहां पर एक मिताक्षरा का कंसेप्ट रहता है। तो अब ये मिताक्षरा कुछ भी नहीं, इट इज अ कमेंट्री। अगर हम कमेंट्रीज में देखें तो हमारे पास दो महत्वपूर्ण कमेंट्रीज है, एक रहता है हमारे पास दयाभागा, दूसरा है हमारे पास मिताक्षरा। अब दयाभागा और मिताक्षरा में डिफरेंस क्या है? दयाभागा वाज रिटन बाय जिमुतवाना और जबकि आपके मिताक्षरा वाज रिटन बाय यज्ञवल्क्य, ठीक है। मॉडर्न सोर्सेज में एज यूजुअल सब लॉ का एक ही मॉडर्न सोर्स है, दैट इज योर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। एंड फाइनली आता है हमारा जुडिशियल प्रिसीडेंट्स एंड देन एंड में आता है हमारे पास क्या, हमारे पास आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज नथिंग बट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जिसे कि अब हम बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज एक जज तब यूज करता है when the present law cannot be applied, या वो sufficient नहीं है एक particular judgment को देने के लिए, तब क्या करता है, तब हमारा यहाँ पे जो जज है वो अपना good concise use करता है to ensure कि proper justice हम लोग वहाँ पे दे पाएं, right? तो ये आपका एक basic सा है कि भैया sources of Hindu law में क्या क्या आता है। अब दयाभागा और मिताक्षरा के बारे में पूछोगे तो इसका difference आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए, clear है? ओके, कमेंट्रीज में आपको बबीता जी दो कमेंट्रीज आप जरूर ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि कमेंट्रीज और डाइजेस्ट। हालांकि देखो अगर हम डाइजेस्ट और कमेंट्रीज की बात करें, डाइजेस्ट क्या होते हैं, आपके निबंध होते हैं, ठीक है। कमेंट्रीज आपके वॉल्यूम्स कह सकते हो जो कि ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ स्मृति में शायद मैंने आपको बताया नहीं, दो चीजें होती है, एक होता है आपका धर्म सूत्र, दूसरा होता है आपका धर्म शास्त्र। धर्म सूत्र की अगर हम बात करें तो वो आपके एक प्रोज के फॉर्मेट में होती है, और धर्म शास्त्र की अगर बात करें तो वो आपको एक पोयम के फॉर्मेट में दी गई होती है, ठीक है। कमेंट लेट जा रहे हैं पर जा रहे हैं, वही बहुत है कार्तिके, ठीक है। ओके, आज लंकेश्वर भेष बदले हुए है ना, लंकापति रावण भेष बदले हुए हैं, राइट। चलिए आगे चलेंगे, जहां पे हम लोग सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बाद डील करेंगे कुछ और टॉपिक्स, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में जरूर बताऊंगी। देखो जब भी हम हिंदू लॉ की बात करेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की जब बात करेंगे तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है आपके कोपार्सनरीज का। कोपार्सनरीज को या फिर हम कहें हिंदू सक्सेशन एक्ट को बाद में डील करके, सबसे पहले हम ये डील करने वाले हैं कि भैया हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में एक पर्सन को मैरी करना है तो उसके क्या एसेंशियल्स रहने चाहिए, ठीक है। पूरव जी बोल रहे हैं मैम आप सिंगल हो क्या? हाँ पूरव जी,
सिंगल, अखंड सिंगल, ओके ठीक है। क्या सवाल पूछते हो, कोई रेलेवेंस है इसका हिंदू लॉ से? हाँ कोई रेलेवेंस है, और आपको लगता है मैं आपको बताऊंगी? हाँ बट हाँ, जो बताया वो सच है, ठीक है। चलो आगे आते हैं जिसमें हम डील करेंगे अब हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट डील करेंगे क्योंकि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले ख्वाब किसका देखता है? शादी का देखता है भैया। सक्सेशन वगैरह तो बाद में, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन तो बाद में आता है, जब घरवाली आ जाती है घर में, जब कोई समझाने वाली बुद्धि देने वाले आ जाती है, तब तो जाके हम पार्टीशन करवाते हैं ना, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास में कॉफी पर चले, नहीं चल सकते कॉफी पे क्योंकि नहीं पसंद है कॉफी, ठीक है। ठीक, देखो भैया स्टूडेंट और टीचर के बीच का ये रिलेशन मुझे थोड़ा कम जमता है। रीजन बीइंग बहुत सिंपल है, क्योंकि जब सामने स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां पे एक अलग इंटेंशन और एक अलग भाव आ ही जाता है। तो चाह के भी ऐसी जो चीजें आप सोचने का प्रयास कर रहे हो मुमकिन नहीं है, ठीक है, ओके आगे चले। ओके तो आज शुरू करने वाले हम पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है कि 56 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है कि 56 है? सबके सब एक्ट 56 हैं, लेकिन एक एक्ट है जो कि आपका 55 का है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो ये है हमारा 1956 का एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट को समझने से पहले जितने भी हमारे एक्ट हैं वो सब क्या है, हमारे एक हिंदू पे अप्लाई होते हैं। तो आखिर हिंदू होता कौन है, हु इज हिंदू, ये जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये चार वर्ड्स मैं आपको दे रही हूं, अगर प्री में आ गया तो ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ये पता करने में कि भैया ये पर्सन हिंदू की कैटेगरी में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला हमने वो बोला है कि हिंदू वो सारे पर्सन हैं, हिंदू वो सारे पर्सन हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, जो कि पारसी नहीं है, जो कि क्रिश्चियन नहीं है, राइट। मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, या फिर ज्यूज नहीं है, लेकिन वो पर्सन डेफिनेटली है, वो पर्सन डेफिनेटली है जिसके दोनों पेरेंट्स, दैट इज बोथ पेरेंट्स क्या है, या तो हमारे हिंदू हैं, या तो हमारे सिख हैं, या फिर बुद्धिस्ट हैं, या फिर जैन्स हैं। अगर इस कैटेगरी से हमारे किसी भी पर्सन के पेरेंट्स आते हैं तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली हिंदू हो जाता है। दूसरा है कि अगर उस पर्सन का सिर्फ एक पेरेंट, दैट इज सिंगल पेरेंट भी अगर हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो सीधा सीधा हमारे हिंदू की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद एक और जो कैटेगरी हम यहां पे ऐड करेंगे वो रहती है, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि कन्वर्ट हुआ हो हिंदू में या फिर रिकन्वर्ट हुआ हो। मैम रिकन्वर्ट का क्या कंसेप्ट है, कन्वर्ट समझ आ गया, कोई मुस्लिम था, मुस्लिम से अब क्या हो गया है, वो हिंदू में आ गया है, या फिर मुस्लिम था, सॉरी हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम बना और मुस्लिम से जब वो वापस हिंदू में आ गया है तो अब वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अब वो रिकन्वर्ट की कैटेगरी में आने वाला है। तो कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है वो सीधा सीधा आता है हमारे हिंदू की कैटेगरी में, ओके राइट, ओके ठीक है, क्लियर। नाउ अब हिंदू मैरिज एक्ट में आपको कुछ डेफिनेशंस पे जरूर फोकस करना है, अगर वो डेफिनेशंस आपको नहीं पता हुई तो शायद आप गड़बड़ करने वाले हो। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो हमें डेफिनेशन क्लॉज सीधा सीधा सेक्शन 3 में दिया है, और सेक्शन 3 के क्लॉज सी में हमको डिफाइन करके दिया कि भैया फुल ब्लड क्या है, फुल ब्लड पता होना चाहिए आपको, आपको हाफ ब्लड पता होना चाहिए, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज है कि यूटेराइन ब्लड पता होना चाहिए। फुल ब्लड मतलब सगे भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, या फिर मैं कहूं दैट इज सेम मदर, राइट, सेम मदर। साथ ही साथ हाफ ब्लड में क्या होता है, आपकी मदर्स डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट मदर्स, सौतेली मां जहां पे आती है वहां पे रिश्ता कैसा हो जाता है, सौतेला हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू यूटेराइन ब्लड, मदर तो सेम रहती है, सेम मदर, बट योर फादर बिकम्स डिफरेंट, डिफरेंट फादर। सिंपल सा मतलब है यूटेराइन, मतलब कि इसका कनेक्शन है हमारे वर्ड यूट्रस से,
जो आपकी कोक है, माँ की कोक, आप सब एक ही कोक में जो है पैदा हुए हैं, एक ही कोक से पले बड़े हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, यूटेराइन ब्लड कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी बबीता जी, सोर्सेस खत्म हो गया, शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक रैपिड रिवीजन चल रहा है। ओके राइट, ठीक, चलिए, हाफ ब्लड, फुल ब्लड एज वेल एज यूटेराइन ब्लड। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है टू क्लॉज एफ में, जो कि हमको बताता है सपिंडा रिलेशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? सपिंडा रिलेशन। अगर सपिंडा रिलेशन या प्रोहिबिटेड डिक्री अच्छे से पता नहीं हुआ तो सीधा सीधा आप वहां पे गलती करके आओगे ये बताने में कि मैरिज वॉइड है कि वॉइडेबल है, मैरिज वॉइड है या फिर वॉइडेबल है। ठीक है, अच्छा कोई भी अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि मैम हमारे कमेंट सेक्शन पे ध्यान दे, तो फिर क्या करोगे? मैं एक टॉपिक खत्म कर दूं छोटा सा, उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन पे आएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमें ये डिस्कस करना है कि भैया सपिंडा रिलेशन में कौन सी पार्टीज होती हैं, सपिंडा रिलेशन में कौन सी पार्टीज होती हैं। एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, पिंड, आप लोगों का पिंड एक है, कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो इन्होंने बोला अगर हम मेल की बात करें और अगर हम फीमेल की बात करें, तो मेल से अगर थर्ड जनरेशन तक आप लोग कनेक्टेड हो, थ्री जनरेशन में आप कनेक्टेड हो, आप सपिंडा में आ जाओगे। और फीमेल से अगर फिफ्थ जनरेशन तक, अगर फीमेल से फिफ्थ जनरेशन, सॉरी शायद मैंने उल्टा बताया है आपको, मेल से फिफ्थ जनरेशन रहेगा, मेल से फिफ्थ जनरेशन एंड फीमेल से कितना रहने वाला है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन तक अगर आप फीमेल से रिलेशन है आपका, दैट इज मदर्स के आप एसेंडेंट हो, तो फिर वहां पे वो आपका आ जाएगा सीधा सीधा कौन सी कैटेगरी में, आपके सपिंडा रिलेशन से। फॉर एग्जाम्पल अच्छे से देखिएगा, ये हमारे एक फादर साहब थे, ठीक है, एक फादर थे, इनका ये सन, इनकी ये डॉटर। इजी डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको समझ में जो है इजी आएगा। ठीक है, क्लियर, तो यहां पे कितनी जनरेशन हो गई, 1 2 3। ठीक है, और साथ में अब देखिए, अब यहां पे जब ये फादर से हो गई है 5 जनरेशन, अब मदर से चलेंगे 3 जनरेशन पे। ठीक, अब अगर हम इस पर्सन की, मान लीजिए इस एस की, इस डॉटर के साथ शादी करवाना चाहेंगे, तो वो शादी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर मदर से देखें तो भैया ये तो आपके सेकंड जनरेशन में आ गया, ये मदर से सेकंड जनरेशन में है और फादर से कौन सी जनरेशन में हो गया, 1 2 3। तो फादर से भैया आप थर्ड जनरेशन में हो, मदर से सेकंड जनरेशन वाले पर्सन की आप लोगों की क्या नहीं हो सकती, यहां पर शादी नहीं हो सकती है। लेकिन यहीं पर अब मान लीजिए मदर से ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो यहां तक तो शादी बैन है। यहां पे अगर कोई सन है तो इस सन की अगर हम इस डॉटर से शादी करवाना चाहें तो भी नहीं होगा। लेकिन हालांकि ये सपिंडा रिलेशन के बाहर है, लेकिन ये डॉटर तो अभी भी किसमें है, सपिंडा रिलेशन में है। दिस इज द रीजन यहां पे फादर की साइड से ये फिफ्थ जनरेशन से बाहर नहीं हुई है। यहां पे जरूरी है कि अगर इस सन की कोई सन होता या डॉटर होता और इसकी डॉटर होती, तो शायद वो आपकी फिफ्थ जनरेशन से जब बाहर आएगा तो इस सन से हम इसकी शादी करवा सकते हैं, अदरवाइज नॉट, राइट, काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। रुखसाना जी क्या पूछने जा रहे हो, इनको तो काउंट करेंगे ना, जैसे ही मैं पैदा हुई तो हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, अगली जनरेशन आएगी तो वो सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन किसके लिए, मेरी मदर के लिए, राइट, क्लियर है चीज, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिटेड डिक्री। प्रोहिबिटेड डिक्री मतलब वहां पे आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, वहां पर आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहते हो बबीता जी, कोई दिक्कत? हाँ जी, वहां पे आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है प्रोहिबिटेड डिक्री में, लेकिन लॉ ने क्या बोल रखा है, लॉ ने ये बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, इन रिलेशंस को तो कतई शादी के लिए अलाउ नहीं करने वाले हैं। अगर लव मैरिज भी हुआ है आपके फिफ्थ जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में, मैरिज वैलिड नहीं रहती है, मैरिज वैलिड नहीं रहती है। भले हमने सेक्शन 5 में कंडीशन बताए, लेकिन कहीं पर भी हमने बताया क्या
कि घर वाले आपकी अरेंज मैरिज करेंगे तो सेक्शन 5 एप्लीकेबल है, या फिर अपनी मर्जी से लव मैरिज करोगे तो सेक्शन 5 एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो सेक्शन 5 है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर डूइंग अ लव मैरिज और वेदर यू आर डूइंग एन अरेंज मैरिज। क्लियर चीज? ओके, लव मैरिज पे ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, शादी कर ली है ऐसे रिलेशन के बीच में तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मैरिज आपकी वॉइड हो जाएगी अगर आपने सपिंडा रिलेशन में शादी कर ली। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई भी लीनियल एसेंडेंट है, क्या है, लीनियल एसेंडेंट है, जो पर्सन दूसरे पर्सन से शादी कर रहा है वो उसका लीनियल एसेंडेंट है। मतलब दादाजी अपनी पोती से शादी नहीं करेंगे, पड़पोती से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि लीनियल एसेंडेंट चल रहा है, राइट। फिर आता है आपका कि लीनियल एसेंडेंट किसके हस्बैंड या वाइफ के लीनियल एसेंडेंट्स या डिसेंडेंट से भी शादी नहीं करोगे। उसके बाद कुछ प्रोहिबिटेड है, तो दैट इज वाइफ ऑफ द ब्रदर, वाइफ ऑफ द फादर। भाई की वाइफ से शादी नहीं, मतलब कि भाभी से शादी नहीं होगी, या फिर फादर की जो मदर है, मतलब फादर की जो वाइफ है अपनी मदर हो गई या स्टेप मदर हो गई है, वहां पे शादी नहीं होगी। मदर्स ब्रदर के साथ शादी नहीं होगी। ये सारी चीजें आपको एक प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर दे रखा है। फाइनली और चीज क्या बताई गई है, फोर्थ क्लास में डी पॉइंट में आपको दिया है, ब्रदर ब्रदर की बच्चों की शादी नहीं होगी, सिस्टर सिस्टर के बच्चों की शादी नहीं होगी, अंकल एंड नीस की शादी नहीं होगी, आंट और नेफ्यू की शादी नहीं होने वाली है। ये कुछ रिलेशन है जो कि सपिंडा रिलेशन में क्लियरली आपको प्रोहिबिट कर रखे हैं। नाउ वी विल बिगिन विद लंकेश्वर, तुम बोल तो सही रहे हो लेकिन तुम्हें पता है ऐसा होता है, दिस इज द रीजन कि यहां पे ऐसी शादियों के लिए साफ मना कर रखा है, लीनियल एसेंडेंट में शादी नहीं करोगे, लीनियल एसेंडेंट में शादी आप नहीं करोगे। ठीक है, आएंगे अब हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 जो कि मेंशन करता है कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज, कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज। मैम आपने अधूरा लिखा है, बिल्कुल अधूरा लिखा है, बिकॉज दिस इज हिंदू मैरिज। तो सेक्शन 5 ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है इस एक्ट के तहत शादी करनी है, आप दोनों ने क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। कपल ने क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। लड़का लड़की दोनों अगर हिंदू हैं तो वहां पे शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? अब 5 के जितने भी क्लॉजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें ऑर्डर में समझने हैं, क्योंकि इसको हम लिंक करेंगे सीधा सीधा सेक्शन 11 और सेक्शन 12 से। तो सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज कहता है, जब भी आप किसी से शादी कर रहे हो, मेक श्योर दैट योर स्पाउस इज नॉट लिविंग, spouse is not living। Second point आपको बोला है कि ठीक है, आपने first में बोल दिया spouse living नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमें क्या नहीं करना है, bigamy commit नहीं करना है। लेकिन second point में बोला है अगर वो person incapable है, incapable of giving consent, अपनी सहमति देने के लिए असक्षम है, उस व्यक्ति से आप शादी नहीं करोगे। Next point दे रखा है, केपेबल तो है अपनी कंसेंट देने के लिए, केपेबल तो है अपनी कंसेंट देने के लिए, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटली मानसिक तौर से क्या है, वो केपेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट आपको बोला है अटैक ऑफ इंसैनिटी, किसी प्रकार के क्या है, किसी प्रकार के क्या, दौरे पड़ते हैं। ये आमतौर पे शादी से पहले नहीं पता चलता है, शादी के बाद जनरली हर आदमी को ये लगता है कि उसकी पत्नी को क्या है, यहाँ पे दौरे पड़ते हैं, है ना। तो भैया शादी से पहले ही देख लो अटैक ऑफ इंसैनिटी है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट बोला है कि आपकी जो लड़के की एज है वो होनी चाहिए 21 वर्ष, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, तब तो हम इस मैरिज को वैलिड मानेंगे, अदरवाइज हम इसको वैलिड नहीं मानने वाले हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, फोर्थ पॉइंट जाके अब इन्होंने बोला है कि कहीं से भी आपका रिलेशन एक प्रोहिबिटेड डिक्री में नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड डिक्री में नहीं होना चाहिए ऐसा रिश्ता। एंड फिफ्थ पॉइंट बोला है सपिंडा रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है सेक्शन 5 को पढ़ने से पहले कि आप डेफिनेशन क्लॉज जरूर पढ़े, दैट इज रीड विद सेक्शन 3 जो कि इनकी डेफिनेशन बताता है। अब अगर हम इसकी बात करें 5 क्लॉज 1, 5 क्लॉज 4 एज वेल एज 5 क्लॉज 5,
ये तीनों ही हमारे सेक्शन 12 के तहत क्या होती है, वॉइड मैरिज होती है। मतलब कि वॉइड एब इनिशियो है, अभी का जो नया बिल है जिस दिन वो एनफोर्समेंट में आ जाएगा उस दिन सबसे पहले अगर कहीं पर अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो वो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, मौसी के लड़के से शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं अनिल कुमार जी, बिल्कुल वहां पे शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा आपके सपिंडा रिलेशन में आएगा, सेम पिंड है, राइट। सिस्टर सिस्टर्स के बच्चों की शादी नहीं होगी, भाई भाई के बच्चों की शादी नहीं होगी, ठीक, मामा भांजी की शादी नहीं होगी, चाचा भतीजी की शादी नहीं होगी, मौसी भांजे की शादी नहीं होगी, बुआ भतीजे की शादी नहीं होगी। क्लियर? ओके, नाउ कन्वर्जन इन टू डिफरेंट रिलीजन देन कमिटिंग सेकेंड मैरिज मेक्स द मैरिज वैलिड और नॉट। देखो, जैसे ही आपने फर्स्ट मैरिज किया, बिस्मेदास जी, फर्स्ट मैरिज किया उसके बाद अगर आपने कन्वर्जन किया तो फर्स्ट मैरिज कभी भी आपकी डिसॉल्व नहीं होती है, बट दैट बिकम्स द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, दैट बिकम्स द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। दूसरा स्पाउस आपसे क्या करता है, डाइवोर्स की डिमांड कर सकता है, लेकिन मियरली कन्वर्ट हो गए हो और आपको लग रहा है कि फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी और अब मैं सेकंड मैरिज कर लूं, नहीं, ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होगी। इफ द अदर स्पाउस वांट, दैट पर्सन कैन गो फॉर डाइवोर्स। क्लियर है चीज? ओके, राइट। अब मैम, फिर ये वाला जो कैटेगरी है या फिर ये वाला जो कैटेगरी है वो कहां जाता है? 5 क्लॉज 2 जो है, सॉरी मैंने आपको ये सेक्शन 11 बताना चाहिए, सेक्शन 11 के तहत मैरिज होती है void and सेक्शन 12 के तहत होती है मैरिज voidable। सेक्शन 12 के तहत अगर जो स्पाउस है वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। When we will study section 17 and 18, वहां पता चलेगा अगर हमने ये एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है और उस वक्त शादी कर ली है तो वहां पे आपको सीधा सीधा पनिशमेंट दे रखा है। तो ये है सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 के अलावा अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट में देखें तो हमारे लिए सेक्शन 6 को एक बार छोड़ के सेक्शन 7 पे आएंगे। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि सप्तपति इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप चाहो तो जो भी कपल यहां मैरी कर रहा है उनमें से दोनों में से किसी एक पार्टी का सेरेमनी आप अपना सकते हो। आइदर ऑफ द पार्टीज का क्या कर सकते हैं हम यहां पे उसके साथ जो है सेरेमनी, उसकी सेरेमनी अपना सकते हैं, दोनों की सेरेमनी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके हिंदू मैरिज में सेरेमनीज में ऐसा कंसेप्ट है कि सप्तपति होने पर ही शादी कंप्लीट मानी जाएगी, तो आपकी शादी तब कंप्लीट मानी जाएगी जब आप जो सेवेंथ राउंड अराउंड द सेक्रेड फायर है वो कंप्लीट करोगे। तो जब सातवां फेरा लोगे तभी जो है आपकी शादी कंप्लीट होगी। तो सात फेरे ले रहे हो तब तक सोच लो कि भैया शादी करनी है ना, तो वो जो सातवां फेरा होता है उसके बाद भैया आपकी शादी जो हो जाती है वो कंक्लूड मानी जाती है, कंक्लूसिव मानी जाती है। ठीक है, एंगेजमेंट होना चाहिए, सात फेरे होने चाहिए। युक्ता, ये कंसेप्ट कहां पढ़ के आई हो, एंगेजमेंट होना चाहिए? हाँ, नॉट एट ऑल। एक आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने एक बार क्वेश्चन भी डील किया था, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज का। कैन वी डू दैट? नॉट एट ऑल। एंगेजमेंट करते हैं, एंगेजमेंट आप कर सकते हो। एंगेजमेंट का मतलब अगर हम अपनी भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट टू मैरी। एग्रीमेंट टू मैरी कि आने वाली फलानी डेट पे हम लोग क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपसे जबरदस्ती शादी करवा दी जाए। आप चाहो तो इसके लिए मना कर सकते हो कि नहीं भैया शादी नहीं करेंगे। अगर आपसे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया गया तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ लिबर्टी के अगेंस्ट है। क्लियर है? ओके, तो सेक्शन 7 ने ये नहीं बोला है कि सप्तपति परफॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने बोला अगर आपकी सेरेमनी में सप्तपति नाम का कोई कंसेप्ट है तो आपकी शादी तब कंक्लूसिव मानी जाएगी जब आपने सेवेंथ फेरा जो है वो ले लिया। तो भैया शादी तो कर ली, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? सेक्शन 8 ये कहता है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तो नहीं है, बट इफ स्टेट गवर्नमेंट्स वांट्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में ऐसा रूल बना सकती है कि सारी मैरिजेस का क्या हो, यहां पे रजिस्ट्रेशन हो। रूल्स बनाने के साथ साथ अगर वो चाहे तो पेनल्टी भी इंपोज कर सकती हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए यहां पे 25 रुपीज की क्या होने वाली है, एक फाइन लगने वाला है। ये है हमारे सेक्शन 8 तक। ठीक है,
मुकेश जी, मुकेश देवी जी, कोर्ट मैरिज कौन से एक्ट के तहत करते हो? यस, अ जनरल क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स, कोर्ट मैरिज कौन से एक्ट के तहत करते हो? इस एक्ट के तहत करते हो क्या? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करते हो क्या? हाँ जी पाठक जी, हमारे यहाँ पे भी अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पर भी जो फेरे हैं वो कितने होते हैं? सात ही होते हैं। आई हैव सीन कि हमारे यहाँ पर भी, आई डोंट नो वाई, कि सात फेरे ही होते जाते हैं। तो एक दिन गलती से जोश जोश में पूछ लिया अपने बुजुर्गों को कि भाई सात नहीं होके अपने यहाँ पे चार फेरे क्यों हो रहे हैं? तो बोलते भाई टिकनी है तो वो चार में टिक जाएगी, नहीं टिकनी है तो सात में भी नहीं टिकेगी। मैंने बोला ये तो आप बहुत ही एक लेम जोक मार रहे हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई और रिचुअल है या ऐसा कोई और कंसेप्ट है जिसकी वजह से कहीं पर सात फेरे हैं और कहीं पर चार ही हैं, तो बताओ। तो हमको बोले कि भैया इतनी बहस मत करो, तुमको चार नहीं ले तो तुम सात ले लेना। हम बोले ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे और तो क्या। राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट, नॉट हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है? तो जहां स्पेशल मैरिज एक्ट होता है वहां पे हिंदू मैरिज का कंसेप्ट नहीं बैठता है, नॉट नेसेसरी, सात फेरे नॉट नेसेसरी, ठीक है? ओके, युक्ता बोल रही है मैम मैंने आठ फेरे ले लिए तो आठ जन्म के लिए बंद जाओगे और क्या, आठ जन्म के लिए बंद जाओगे। अब तुम देख लो, ये जब भी कंसेप्ट बोलते हैं ना कि भैया आप सात जन्म के लिए बंध गए हो, ठीक है, सात जन्म के लिए बंध गए हो, तो इस जन्म में शादी हुई तो मतलब अगले जन्म भी इसी औरत से शादी होगी, तो उस जन्म में भी बोलोगे कि अगले सात के लिए बंध गए, दूसरे जन्म में भी उसी औरत के साथ शादी होगी, फिर बोलोगे कि अब आप वापस से सात जन्मों के लिए बंध गए। ये सात जन्म तो खत्म ही नहीं होंगे ना, ये सात जन्म तो खत्म ही नहीं होंगे। 7 × 7 = 49, पता चला 49th में भी वही औरत मिल रही, फिर बोल रहे हो सात जन्म के लिए मिल गए। तो ये सात जन्म वाला जो कंसेप्ट है, खाली कहते हैं कि सात जन्म के लिए बंध गए, बाकी सात जन्म के लिए कोई बंधते नहीं है ना। एक जन्म के लिए भी बंध जाए वो बड़ी बात है। राइट राइट, ओके, इट इज योर फर्स्ट क्लास शिवम जी, ओके, देन लेट्स फोकस ऑन द कंसेप्ट नाउ। तो ये आपके सेक्शन 5 के बाद अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या मैट्रिमोनियल रिलीज है। शादी हो गई ना, बाराती आ गए, फेरे ले लिए, खाना खा लिया, चलो खत्म। अब हमें देखना है कि मैट्रिमोनियल रिलीफ क्या रहती है, मैट्रिमोनियल रिलीफ हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या दे रखी है। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास में आता है हमारा सेक्शन 9। कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 9, जो कि बात करता है किसकी? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। सेक्शन 9 इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 10, जो कि बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। किसकी बात करता है? जुडिशियल सेपरेशन की। अब सेक्शन 9 देखिए तो कहता है कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन। बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई भी डिक्री ग्रांट करने से पहले कोर्ट ये देखेगा वेदर द अदर स्पाउस हैज रियली में, सच में क्या उसने सोसाइटी से विड्रॉ किया है, हैज दैट पर्सन विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी और नॉट। सोसाइटी से विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? ऐसे समाज त्याग के जाना नहीं, मतलब कि गली मोहल्ला छोड़ के जाने का नहीं मतलब है कि भाई आपने कॉन्जुगल राइट्स को मतलब जो है नहीं परफॉर्म किया। इट मीन्स कि आपके शादी के प्रति जो भी दायित्व थे, जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज थी, आपने वो नहीं निभाई। अब पति जाके कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि पत्नी ने वादा किया था सुबह शाम मेरे को चार बार चाय पिलाएगी, वो तीन बार ही पिला रही है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नहीं, यू हैव टू सी क्या दूसरा पर्सन जो है वो सही में शादी निभाना चाहता है या शादी से जुड़े हुए सारे कर्तव्य निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। आजकल की सोसाइटी में क्या हो रहा है, पति कहीं और रह रहा है, पत्नी कहीं और रह रही है, बिकॉज ऑफ द जॉब सिनेरियो। दोनों जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए किसी वजह से अगर पति दो तीन साल घर नहीं आ पाता या पत्नी नहीं आ पाती है तो सीधा सीधा वहां पे जाते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आपको पता है ऐसे कुछ केसेस भी हुए थे, तब कोर्ट का यह बताना है कि यू हैव टू सी द इंटेंशन ऑफ द पर्सन। इंटेंशन देखना पड़ेगा आपको पर्सन का कि क्या वो पर्सन उस शादी को निभाने के लिए, उस शादी को कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है, उस शादी को कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है, और उसने अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स पुट अप किए हैं उस शादी को कंटिन्यू करने के लिए। तो जहां पर उस वाइफ ने कंटिन्यूस कॉल्स किए हैं, आपसे मिलने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, पूरी कोशिश की है ऑफिस से लीव लेने की, फिर भी नहीं मिली, तो उसमें आप नहीं कह सकते हो दैट आई वांट अ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स।
इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स कम्स अंडर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दैट इज वो कॉन्जुगल राइट्स में आता है, बट ऑब्वियसली बात है कि अब उसका आप स्पेसिफिकली जो है उस चीज के लिए नहीं जा सकते हो कि भैया इस चीज के लिए हमें कॉन्जुगल राइट्स का परफॉर्मेंस करवाना ही करवाना है। ठीक है मैम, वाइफ कह जाती है कि हस्बैंड शॉपिंग नहीं कराता है, क्या शॉपिंग आपके कॉन्जुगल राइट्स में आता है? ये डिसाइड करने के लिए कि ये मैरिज जो ये राइट्स जो है वो कॉन्जुगल राइट्स हैं, फर्स्ट सी कि क्या वो राइट्स एक सिंगल पर्सन को मिलते क्या, क्या वो राइट्स एक सिंगल पर्सन को मिलते क्या, वो सारे राइट्स जो कि शादी के बाद उत्पन्न होते हैं उस शादी की वजह से एक दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट वो हो जाते हैं आपके कॉन्जुगल राइट्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, रेस्टिट्यूशन के बाद आता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में इसलिए पार्टीज जाती हैं ताकि कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि भैया साथ नहीं रह पा रहे, तो बेटर है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए चले जाते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड अब क्या क्या रहता है, तो आइए एक बार सेक्शन 10 को देखते हैं कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में हमें जुडिशियल सेपरेशन के क्या ग्राउंड्स दे रखे हैं। तो यहां पर मोटे रूप से हमें ये बोला है कि जुडिशियल सेपरेशन के वो सारे ग्राउंड्स रहते हैं जो कि हमारे सेक्शन 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में है। उन ग्राउंड्स में हम जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा सकते हैं, एंड व्हेन द स्पाउस इज इन जुडिशियल सेपरेशन इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर दैट पर्सन टू कोहैबिट विद दैट पर्सन, मतलब रिस्पोंडेंट और पेटिशनर में कोहैबिटेशन होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई एंड एक साल तक अब यहां पे कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ है, या फिर जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, देन दैट्स बिकम्स योर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। फिर वो क्या कह रहता है, डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। क्लियर है, राइट? नाउ वी विल डील विद सेक्शन 11-12 जो कि बात करते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की। मतलब ये बताते हैं स्टेटस ऑफ मैरिज, क्या बताते हैं स्टेटस ऑफ मैरिज, क्या एक मैरिज वैलिड है कि वॉइड है। सेक्शन 11 बोलता है कि मैं तुमको तीन सेक्शन बताऊंगा जिसके अंडर हमारी मैरिज कैसी हो जाती है, वॉइड हो जाती है। सिंपल भाषा में इसने बोल दिया 5 clause 1, 5 clause 4 और 5 clause 5 के तहत शादियां यहां पे सीधी के सीधी वॉइड हो जाती है। वॉइड मैरिज, ओके, वॉइड मैरिज का, गुड मॉर्निंग स्माइल प्लीज, ओके गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो वॉइड मैरिज का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि वो स्टार्टिंग से मैरिज कैसी होती है, वॉइड एब इनिशियो होती है, नो राइट ऑफ मेंटेनेंस, साथ ही साथ नो प्रॉपर्टी राइट्स, ना ही आप उस पर्सन के साथ शादी में बंधते हो और यू आर फ्री टू गेट मैरिड टू एनी अदर पर्सन। आपको हस्बैंड एंड वाइफ का यहां पे किसी भी तरह का वाइफ और हस्बैंड का स्टेटस नहीं मिलता है, राइट? वेरी गुड मसूद आलम, यहां पे सेक्शन 12 के अंदर क्या है, वॉइडेबल मैरिज का हमको ग्राउंड दे रखा है। कब जो है हमारी शादी या हमारी मैरिज जो है वो शून्य गण्य हो जाती है। वॉइडेबल मतलब क्या, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो उस मैरिज को या तो एक्सेप्ट कर सकती है या डिनाई कर सकती है। इसके चार इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है यदि हमारा रिस्पोंडेंट इंपोर्टेंट है। कैसा है, इंपोर्टेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट मतलब किसी तरह का आपका ऐसा कोई भी इंटरकोर्स वाला कोई भी एक्ट है तो वो पर्सन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो नेक्स्ट है कि अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड हम कहां पढ़ के आए थे, ये ग्राउंड ये पढ़ के आए थे 5 clause 2 में, दैट इज अटैक ऑफ इंसैनिटी, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट बट मेंटल डिसऑर्डर है। तो थर्ड बोला है यदि हमने कंसेंट उस पर्सन की, दैट इज पेटिशनर की या उसके गार्डियन की ली है आइदर बाय फ्रॉड या फिर बाय फोर्स, मैरिज कैसी है, वॉइडेबल है। एंड फोर्थ बोल रखा है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। अब प्री मैरिज प्रेगनेंसी में हमेशा रिस्पोंडेंट कौन होने वाली है, रिस्पोंडेंट यहां पे आपकी फीमेल होने वाली है। शादी से पहले यदि वो महिला गर्भवती थी तो ये ग्राउंड हस्बैंड को मिलेगा कि वो चाहे तो यहां पे क्या कर सकता है, इस शादी को नकार सकता है, इस शादी को कंप्लीटली मना कर सकता है। ठीक है, ओके, पंकज जी कोई डाउट है तो बताइए। हाँ पंकज जी, पाठक जी, ठीक,
वॉइड एब इनिशियो का मतलब ये होता है उपदेश जी स्टार्टिंग से ही वो इनवैलिड थी, कभी उसको वैलिड होने का ग्राउंड ही नहीं मिला, स्टार्टिंग से इलीगल, स्टार्टिंग से खत्म, कभी उसको एक इंपैक्ट मिला ही नहीं लीगैलिटी का, क्लियर? ओके, तो ये जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी है इसमें एक और ग्राउंड ये बनता है कि ये जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी है इसके बारे में हस्बैंड को शादी के बाद पता चले। अगर शादी के वक्त पता चला या शादी से पहले पता चल रहा है, मतलब तुम खुद ही तो मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तुम्हें ये बाद में पता चलना चाहिए, और पता चलने के एक साल के भीतर यू कैन फाइल अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स। ठीक है, उस फादर का बच्चा वही होगा पूरव जी, जो कि इस फीमेल के थ्रू जिनका इंटरकोर्स हुआ है वही उसका फादर रहने वाला है। अब डेफिनेटली उसका फादर वो थोड़ी ना रहेगा जिससे कि उसने मैरिज की है, राइट? फादर जो है यहाँ पे कौन रहने वाला है डिपेंड्स कि अगर ये मैरिज डिसॉल्व हो गई तो जो अब दूसरी शादी हुई है वो पर्सन तो डेफिनेटली उसका फादर नहीं रहने वाला है, क्लियर? ओके, शादी हो गई, मैरिज डिस्कस कर ली कि वॉइड कौन सी है, वैलिड कौन सी है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया डाइवोर्स कब मिलेगा, है ना? शादी डिस्कस कर ली हमने, रहना जीना जो है एक दूसरे के साथ मुश्किल हो गया है इसलिए डाइवोर्स। अब डाइवोर्स के कंसेप्ट देखो पहले नहीं इतना अच्छे से था, हालांकि एक्ट में तो था लेकिन अपनी सोसाइटी में हमें आसपास डाइवोर्स के कंसेप्ट या डाइवोर्स जैसी स्टोरीज देखने को कम मिलती थी। सिंपल सा एक कारण है उसका कि उस वक्त डाइवोर्स लेना इतना इजी नहीं था, एंड उस वक्त एक मैरिज को सब्सिस्ट करना या एक मैरिज में रहना इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि हिंदू मैरिज को क्या माना गया है, सैक्रमेंट माना गया है। हिंदू मैरिज को एक सैक्रमेंट माना गया है, मतलब कि इसको ये बोला गया है कि जब तक एक आदमी शादी नहीं करता है वो अधूरा रहता है। इसीलिए पत्नी को किसका स्थान दिया गया, अर्धांगिनी का स्थान दिया गया। किसका स्थान दिया गया, अर्धांगिनी। इसीलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है अर्धांगिनी, सखी, गृहिणी। तो एक अगर मेल पर्सन की शादी नहीं होता है तो कहते हैं कि भैया तुमको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए ना, टाइम पे शादी कर लेना, ठीक है? और अच्छे पर्सन से करना जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठे, ठीक है? ये डेफिनेटली होता है कि फैमिली प्रेशर है, फैमिली के अकॉर्डिंगली शादी करनी है, लेकिन ये तो बहुत क्लियर है कि जिंदगी भर रहना आपको उनके साथ है, तो ये भी नहीं है कि हम लोग पेरेंट्स की कंसेंट के बिना शादी कर लो। यार लॉयर्स हो, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, पढ़े लिखे हो, पूरा समाज दुनिया देखे हो, इंटरनेट है, फोन पे सब कुछ है, तो कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको कोई डिनाई नहीं कर पाए। साथ ही साथ ये जरूरी है कि आपके पार्टनर ने एक्सेप्शनली वेल होना चाहिए, तब जाके कभी भी मना नहीं करेंगे। तो आधे से ज्यादा की तो स्टोरी देख लो भैया, जज क्यों बनना चाहते हो या फिर आईएएस क्यों बनना चाहते हो, सिंपल सी चीज है कि उनका जाके हाथ मांग लेंगे। अब कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि मना करेगा एक जज को या फिर आईएएस अधिकारी को, राइट? लेकिन पोस्ट अपनी जगह, और एक पर्सन से जो फीलिंग्स और इमोशंस वाली चीज होती है वो एक जगह होती है, राइट? ठीक है, चलिए। ओके, मॉडर्न जमाने में कुछ और बोला जाता है, क्या बोला जाता है कार्तिकेय मॉडर्न जमाने में? हाँ चल, वाइब्स मैच नहीं होती, शिशिर जी बोल रहे हैं वाइब्स मैच नहीं होती, यही तो मैच करना जरूरी है आप लोगों को। अब ये वाइब्स वाला कंसेप्ट ना अपने को ही समझ आता है, अभी किसी बड़े पर्सन को बोल दो कि भाई वाइब्स, उनको बोलते हैं ये तुम्हारा फालतू और चोंचला है वाइब्स, लेकिन ये बहुत मैटर करती है। हम कहीं खड़े और हमको वहां पे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता, हम क्या करते हैं, भग जाते हैं वहां से। भले किसी ने कुछ नहीं बोला हो, किसी ने कुछ नहीं किया, बट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ओवर देयर, तो आपको उस वक्त अपनी मनोदशा, अपनी मन की दशा समझ आ रही है, तो वो जरूरी बन जाता है। बहुत जरूरी है एक पार्टनर चूज करो जो आपको चाहिए वो उसको चाहिए, लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं कि आप अपने अपने जोन में हो, आपको दोनों को एक तरह की लाइफ, एक तरफ की अंडरस्टैंडिंग हो तो वो ठीक रहता है, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ, ये गलत फहमी तो होती है कि यूपीएससी निकाल लेंगे तो फैमिली मान जाएगी, बट हाँ मान जाती है, मैक्सिमम केसेस में मान जाती है, क्योंकि फिर उनको शायद ये लगता है कि भैया बच्चे समझदार हैं, अपनी जिंदगी में अच्छा स्टेप लिए हैं, अब तक उन्होंने अपनी जिंदगी के डिसीजन अच्छे लिए हैं, मेहनत अच्छे से किया है, हार्ड वर्क अच्छे से किया है, अपनी लाइफ में जब डिसीजन और करियर अच्छा चूज किया है तो नो डाउट वो पार्टनर भी अच्छा ही चूज करने वाले हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि 10वीं 12वीं में आया और चूज कर लिया अपना पार्टनर, पढ़ लिख जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ, सेटल हो जाए, उसके बाद चूज करो। ओके चलिए, ठीक है शिवम जी, दैट्स गुड। ओके,
नहीं वो नहीं लिखना है बस में दाजी, क्योंकि अभी तक वो जो है फाइनल नहीं हुआ है, है ना, इट्स जस्ट अ बिल। ठीक, चलिए ठीक। हाँ जी, तो हमारे हिंदू मैरिज में एक मैरिज को क्या माना गया है, सेक्रेमेंट माना गया है। वहीं पे मुस्लिम मैरिज देखोगे तो वहां पे एक मैरिज को क्या माना गया है, एक मैरिज को वहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो यहां पे जब सेक्रेमेंट माना गया तो भैया इसको ऐसे इजीली भी तोड़ा नहीं जाएगा। सेक्शन 13 में हमें काफी सारे ग्राउंड्स दिए गए। सेक्शन 13 का अगर 1 देखें हम या 1A देखें, दोनों में ही किसको दिया गया है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को यहां पे बराबर ग्राउंड दे रखा है कि आप दोनों इसमें डायवोर्स ले सकते हो। लेकिन जब 13(2) की बात आती है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ को ग्राउंड दे रखा है। 13(b) की बात करें तो 13(b) में होता है डायवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, डायवोर्स जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी ही होंगी, एक काफी बेहतरीन मूवी आई थी थप्पड़, अगर आपको याद हो, है ना, तो उसमें बहुत ही छोटा सा रीजन था कि भैया एक थप्पड़ पड़ा तो डायवोर्स, लेकिन हाँ डोमेस्टिक वायलेंस इन्हीं सारी चीजों से शुरू होती है, राइट। 13(1) में हमें क्या ग्राउंड्स दे रखे हैं, 13(1) में एक अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, इसलिए आई एम मेकिंग द लिस्ट। सबसे पहले आपको बोला है एडल्ट्री अगर हुआ तो, क्या हुआ एडल्ट्री। नाउ यू नो कि आईपीसी में एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस, मतलब कि एडल्ट्री के लिए पनिशमेंट नहीं, जेल की हवा नहीं, लेकिन हाँ डाइवोर्स है। तो वो बेचारे हस्बैंड्स तो खुश हो गए कि चलो ऐसे जान ना छूट रही थी, एडल्ट्री करते तो शायद आईपीसी के तहत हमको जेल की सजा होती, लेकिन हाँ अब एडल्ट्री कर रहे तो वाइफ के पास क्या है, एक ग्राउंड है कि चलो आप क्या है एडल्ट्री के लिए एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो। हालांकि अगर आप रियलिटी देखोगे, ये हम भी अपने आसपास देखते हैं ना, जब भी ऐसा कोई किस्सा सुनने को मिलता है, वाइफ इमीडिएटली कभी भी डाइवोर्स के लिए नहीं जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस रिश्ते को अहमियत देती है, और ये रिश्ते कसम से सही में बहुत संवेदनशील रिश्ते होते हैं, इसलिए वो अहमियत देती है उस रिश्ते को और चांस देती है हस्बैंड को कि ठीक है भैया थोड़ा समय ले लो, सुधर जाओ, हो जाती है इंसान से कभी गलती, क्योंकि आखिरकार है तो सबके पास एक छोटा सा इमोशनल दिल, राइट। तो इस वजह से वो इजीली डाइवोर्स पिटीशन के लिए जाती नहीं है एडल्ट्री के मामले में, बट सिचुएशन जब वर्स हो जाए देन शी ऑप्ट्स टू गो फॉर व्हाट, डाइवोर्स अंडर द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। अब ये ग्राउंड्स जो हैं हस्बैंड के लिए भी अवेलेबल हैं एज वेल एज वाइफ के लिए भी अवेलेबल हैं। साथ ही में आपको ग्राउंड दिया है क्रुएलिटी का, तो जो 498A के तहत पति परेशान था कि हमेशा हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ पत्नी क्रुएलिटी का डाइवोर्स लेके आ रही है, सॉरी क्रुएलिटी के लिए एक केस फाइल कर रही है और हम लोगों को परेशान कर रही है, तो अब इसके तहत हस्बैंड के पास रेमेडी है कि कोई बात नहीं आप जाइए सेक्शन 13(1) को यूज करो, और वाइफ अगर आप पे क्रुएलिटी कर रही है, करती है भैया वाइफ भी करती है ना, अगर वाइफ ने आपके अगेंस्ट क्रुएलिटी किया 13(1) के अंदर आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है, क्लियर, बराबर। ये ग्राउंड सिर्फ हमें ही समझने हैं, ज्यादा किसी को इन ग्राउंड्स के बारे में बताना नहीं है, ओके, क्योंकि जब कुछ लॉ के बारे में हम ऐसे लोगों को बताएं जिनको लॉ की समझ कम है, उनको लगता है अरे बहुत इजी एक्सेस है हम तो ये कर लेंगे, बट वी नो द रियलिटी, इट इज नॉट दैट इजी टू गेट डाइवोर्स अंडर दीज थिंग्स। उसके बाद एक डाइवोर्स के बाद कितने इंपैक्ट पड़ते हैं उन दोनों पर्सन्स के ऊपर, वो भी चीज जो है देखने योग्य है। ठीक है, हाँ जी माहिरा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, मेरा डाउट नहीं देगा एक बार वापस डाउट्स बताइएगा, है ना। ठीक है, हाँ जी निशान जी, मधु जी, ओके ठीक है। कार्तिकेय किसी को कह सकते हो आप समझा रहे हैं कार्तिकेय जी। पूजा जी आप लड़कों की फीलिंग समझ रही हैं, सल्यूट है आपको पूजा जी। अच्छा, आप लोगों का अलग ही कमेंट सेक्शन में एक वार्तालाप चल रहा होता है, करो वार्तालाप, ठीक है, लेकिन क्लास में भी ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। एडल्ट्री है, क्रुएलिटी है, उसके बाद आता है आपका डेजर्शन का ग्राउंड, पत्नी 2 साल से छोड़ के चली गई तो डेजर्शन। अरे पति देव तुमने ही कुछ ऐसा किया था, तुम ही बेचारी उस औरत को इतना परेशान कर रहे थे कि उसको मजबूर कर दिया घर छोड़ के जाने पर, तो वहां पे आप डेजर्शन का ग्राउंड नहीं ले सकते हो। डेजर्शन अगर स्पाउस ने किया है वो भी विदाउट एनी कॉज, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं था, बिना कॉज के आप छोड़ के गए हो, तब जाके वो एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कन्वर्जन। तो जिन स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम हस्बैंड था
हस्बैंड ने एक वाइफ से शादी की, उसके बाद वो कन्वर्ट होके उसने दूसरी शादी कर ली, तो क्या दूसरी मैरिज वैलिड होगी? नहीं होगी, क्योंकि अभी भी फर्स्ट मैरिज सब्सिस्ट कर रही है। हिंदू पर्सन के कन्वर्ट होने से मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन उस वाइफ के पास ग्राउंड बनेगा कि अगर वो वाइफ चाहे तो क्या कर सकती है, कन्वर्जन के ग्राउंड पे उससे डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, राइट विकास जी? ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, अगर यहां पे आपकी पार्टी क्या हो गई है, अनसाउंड माइंड, क्योंकि शादी के बाद पगला गई है और कोई उम्मीद नहीं है कि अब आप इनके साथ रह सकते हो, तो दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एक और हमारा ग्राउंड था, दैट वाज लेप्रेसी, लेकिन इसको 2019 के अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया गया। साथ में यहां पे और क्या है, वेनरल डिजीज, किसी प्रकार का वेनरल डिजीज है, आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हो। अगर वो पर्सन नहीं सुना गया, नॉट हर्ड फॉर 7 ईयर्स, पति बेचारा इतना प्रताड़ित था, जाके 10 साल के लिए हिमालय पे बैठ गया, किसी को पता ही नहीं कि वो कहां बैठे हैं, किसी को सूचना नहीं कहां है, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। पत्नी के पास ग्राउंड बनेगा कि भैया 7 साल से हमको मिले नहीं, दिखे नहीं, किसकी पत्नी बने हम, तो यहां पे डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनता है। या फिर रिनाउंस द वर्ल्ड, पता तो है हिमालय पे बैठे हैं लेकिन मोह माया त्याग दी है, यहां पे धरती पर किसी से कुछ लेन देन ही नहीं है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर जाके बैठ गए, डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। क्लियर, 13(1)(a) के कुछ ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे, दैट इज 13(1)(a) के। अब 13(1)(a) काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है, मैम ये जो कंसेप्ट है ना, ये ब्रेकडाउन थ्योरी में नहीं आता है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कंसेप्ट में ये नहीं आता है। डेफिनेटली ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जो कि ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी के कंसेप्ट को, इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से रिलेटेड है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जो कि आपके कोर्ट ने इवॉल्व किया है अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग केसेस में। तो यदि यहां पर अगर आपका कोर्ट चाहे तो किसी भी सेक्शन में यह बोल सकता है आपकी मैरिज को अब ठीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन 13(1)(a) के इंग्रेडिएंट्स अच्छे से देखो, 13(1)(a) में ऑलरेडी आपके अगेंस्ट किसी प्रकार की डिक्री दे रखी थी, सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी, वर्स्ट सिचुएशन होने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। पहला है कि नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, वो भी कब, किसी प्रकार का कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, वो भी कब, जब दोनों पार्टीज जुडिशियल सेपरेशन में थी, ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन। तो ये बनता है पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड बनता है नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सिंस द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वॉज पास्ड, आपके खिलाफ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई, उसके 1 साल तक दोनों पार्टीज के बीच कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ, डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। देन पार्टीज के अगेंस्ट, किसी एक पार्टी के अगेंस्ट कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन की डिक्री पास हुई, 1 साल तक यहां पे किसी प्रकार का रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ है, इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, ठीक है लंकेश्वर, क्लियर। अब अगर 13(2) की बात करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पास ग्राउंड अवेलेबल है, 13(2) में सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास ये ग्राउंड अवेलेबल है। 13(2) में आपको पहला ग्राउंड दिया है, अगर हस्बैंड ने बायगैमी की तो, अगर हस्बैंड ने बायगैमी की तो, या फिर हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी, इन तीनों में से किसी के लिए भी गिल्टी होना चाहिए। मतलब कि क्या है यहां पे, उस पर्सन ने क्या होना चाहिए, उस पर्सन ने कन्विक्ट होना चाहिए। क्लियर है? या फिर यहां पे मेंटेनेंस डिक्री पास हुई थी, मेंटेनेंस डिक्री, अब ये देखो मेंटेनेंस डिक्री जो है या मेंटेनेंस ऑर्डर है, हस्बैंड के अगेंस्ट पास हुआ वाइफ के फेवर में, अब वो आपके 125 सीआरपीसी भी हो सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट भी हो सकता है, या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी हो सकता है। उसके बाद कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, उसके बाद यदि कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, नाउ इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट आता है दैट जब इस फीमेल की शादी हुई थी, शी वॉज बिलो 15 ईयर्स, 15 वर्ष से कम थी,
लेकिन उसने मैरिज को रेप्यूडिएट कर दिया बिफोर 18 इयर्स, 18 वर्ष की होती उससे पहले उसने शादी को क्या कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया, कैंसिल कर रही है, तो यहां पे एक डायवोर्स का ग्राउंड बनता है दैट नाउ शी वांट्स टू रेप्यूडिएट द मैरिज, शी वांट्स टू रेप्यूडिएट द मैरिज। क्लियर है? कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं विकास जी? अच्छा, मुस्लिम लॉ की बात हो रही है, ओके हाँ जी, मुस्लिम लॉ में ये होता है, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लॉ में ये होता है, कन्वर्ट हुए ऑटोमेटिकली मैरिज क्या हो जाती है, वहां पे खत्म हो जाती है। क्लियर? हाँ जी, राइट। चलिए, तो ये था हमारे पास में मैरिज से रिलेटेड हमारे पास में क्या क्या कंसेप्ट है या फिर हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। अब आगे अगर चलेंगे तो हम सेक्शन 13A में आपको क्या दी है, अल्टरनेटिव रेमेडीज दे दी, और 13B में हमको क्या दिया, 13B में हमको बोला है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। किससे डाइवोर्स? म्यूचुअल कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट में जरूरी है कि पार्टीज ने यह बताना चाहिए, ये बताना चाहिए दैट दे आर लिविंग सेपरेटली। तीन चीजें होगी यहां, लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन वन ईयर, कैन नॉट स्टे टुगेदर, भैया हमने डिसाइड कर लिया है हम साथ में रह ही नहीं सकते हैं, एंड हैव डिसाइडेड टू म्यूचुअली डिसाइडेड फॉर डाइवोर्स। म्यूचुअली डिसाइड किया है कि अब हम क्या करना चाहते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं, टू डिसॉल्व द मैरिज। ये बनेगा 13B के ग्राउंड्स। क्लियर है ये सारे ग्राउंड्स? लेकिन सेक्शन 14 में बोला, यस वेरी गुड अपर्णा जी, सेक्शन 14 में क्या बोला, सेक्शन 14 में बोला कि कोई भी डाइवोर्स पिटीशन आप शादी के एक साल से पहले नहीं लगा सकते हो, बिफोर वन ईयर ऑफ मैरिज। शादी का एक साल तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये एक साल का एक मैंडेटरी पीरियड इसलिए डाला है ताकि ये देखा जा सके कि भैया कपल, जब आप लोग साथ में रह सकते हो, मैरिज जो है सब्सिस्ट हो सकती है, तो कृपया करके यहाँ पे मैरिज को जो है वो मत खत्म कीजिए। लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टी खत्म करना चाहती है तो फिर उस केस में अगर उस कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट ने ऐसे कोई रूल्स बना रखे हैं जिसके तहत हम एक साल से पहले भी पार्टी को डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि वहां पे उस पार्टी को एक्सट्रीम हार्डशिप कॉज हो रही है, इन दैट केस ओनली एक साल से पहले हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टी को डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? राइट। और सेक्शन 15 में बोला डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। जब भी कोई पार्टी डाइवोर्स के लिए जा रही है तो उससे पहले जनरली क्या होता है, आपके हस्बैंड या वाइफ ने जॉइंटली कोई पार्टी, जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास रखी होगी, या जॉइंटली प्रॉपर्टी अर्न की होगी और अपने नाम पे रखी होगी, तो कोर्ट अगर चाहे इस प्रॉपर्टी का विभाजन कर सकता है, इस प्रॉपर्टी का क्या कर सकता है, विभाजन कर सकता है। सॉरी, सेक्शन 15 को अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 15 की ये जो बात है, सेक्शन 15 की ये जो बात है वो आपको दूसरे सेक्शन में दे रखी है, लेकिन सेक्शन 15 में जनरली बात कही गई है कि जो डाइवोर्स पर्सन है वो वापस रीमैरी कब कर सकता है। मैम वन ईयर ही क्यों? वन ईयर इसलिए है योग्यता, वन ईयर इसलिए है क्योंकि जब तक आप एक साल तक साथ रहे ही नहीं हो, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि वेदर दैट मैरिज इज केपेबल ऑफ बीइंग सब्सिस्टेड, क्या अपन उस मैरिज को कंटिन्यू कर सकते थे। तो जब तक आप इंसान के साथ समय नहीं बिताओगे, आप उस इंसान को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन अगर एक साल से पहले भी कोर्ट को यह महसूस होता है कि भैया अगर हमने डाइवोर्स नहीं ग्रांट किया तो फिर यहां पे क्या हो सकता है, एक्सट्रीम हार्डशिप पार्टीज को कॉज हो सकती है, तब उस केस में आपको एक साल से पहले भी डाइवोर्स पिटीशन डालने के लिए अलाउ किया जा सकता है। 15 में बोला भैया डाइवोर्स ले लिया ना, तो डाइवोर्स पर्सन कब मैरी कर सकता है, कब मैरी कर सकता है, तो उन्होंने टाइम लिमिट बताया है कि आप मैरी कर सकते हो, आप मैरी कर सकते हो अगर नो राइट ऑफ अपील इज देयर, नो राइट ऑफ अपील इज देयर तो आप मैरी कर सकते हो, लेकिन अगर अपील है तो या तो अपील का टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है या फिर आपकी अपील क्या है, डिसमिस हो चुकी है। ओनली इन दैट केस, ओनली एंड ओनली इन दैट केस क्या होगा, यहां पे डाइवोर्स के लिए अलाउ किया जाएगा।
क्लियर राइट। नाउ सेक्शन 16 में ध्यान रखना, इन्होंने डिस्कस किया है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रेन। कौन से चिल्ड्रेन? मैरिज से, वैलिड मैरिज से बॉर्न हुए हो तब तो शादी में क्या होगा, शादी से, वैलिड मैरिज से अगर बच्चे पैदा हुए लेजिटिमेट होंगे। लेकिन अगर आपके चिल्ड्रेन बॉर्न हुए हैं किससे, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से, तो उनका स्टेटस बता दिया है कि वो होने वाले हैं लेजिटिमेट। आप उनको कभी भी इललेजिटिमेट का दर्जा नहीं दोगे, इललेजिटिमेटीसी का दर्जा नहीं दोगे। इट इज द रिलेशनशिप विच मे बी कॉल्ड इललेजिटिमेट बट इट इज नॉट अ चाइल्ड विच विल बी कॉल्ड एज इललेजिटिमेट। क्लियर है राइट ओके ठीक। अब चलेंगे सेक्शन 17 पे जो कि ये बोल रहा है कि भैया पनिशमेंट फॉर बायगैमी। अभी हम पढ़ के आए थे ना 13 के क्लॉज 2 में हमने वाइफ को एक ग्राउंड दिया था कि अगर हस्बैंड ने डुअल शादी की, दो शादी की, तो क्या कर सकते हो, आपका एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनेगा। तो यहां पे ये बोला कि सेक्शन 17 में हम पनिशमेंट देंगे। किस चीज के लिए पनिशमेंट देंगे? बायगैमी के लिए पनिशमेंट देने वाले हैं। तो उन्होंने बोला अगर आपको बायगैमी के लिए पनिशमेंट चाहिए तो 494 ऑफ आईपीसी एंड 495 ऑफ आईपीसी अप्लाई होगा। 494 में कौन जाती है, कौन केस फाइल करती है? फर्स्ट वाइफ, कि देखो भैया ये जो पति देव है ना, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। 495 में कौन जाती है? सेकंड वाइफ, जो कि ये बोलती है देखो भैया ये जो हमारे पति देव थे ना, इन्होंने हमें बताया नहीं कि पहले से मैरिड थे, इन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया। तो ये जाता है 495 के मैटर में। 495 में हमेशा आपकी सेकंड वाइफ जाएगी, 494 में पहली वाइफ जाने वाली है। और सेक्शन 18 में आपको बोल दिया है कि अगर आपने और कोई भी कंडीशन का ब्रीच किया जो कि इस मैरिज एक्ट के अंदर दे रखी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट। तो उन्होंने बोला अगर कोई ब्रीच किया आपने कंडीशन का, स्पेशली 5 clause 2 का किया। 5 clause 2 कौन सा है? 5 clause 2 याद आ रहा है हमको कि नहीं आ रहा है? आई थिंक इट इज नॉट 5 clause 2, 5 clause 3 है हमारे पास में। कौन सा ग्राउंड है? 5 clause 3, जो कि हमारा एज से रिलेटेड है। एज से रिलेटेड है, आपने लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करवा दी या लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करवा दी, सीधा सीधा रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगा। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कितने टाइम का मिलेगा? 2 years का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलने वाला है। और आपका फाइन रहेगा जो कि रहेगा 1 lakh या फिर दोनों हो सकता है। और अगर 5 clause 4 में शादी हुई या 5 clause 5 में, जिसको हम void बोलते हैं अंडर सेक्शन 11, तो उस मामले में आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा फॉर 1 month और फाइन रह सकता है 1000 rupees का। और बोथ यहां पे फाइन कितना रहेगा? यहां पे फाइन रहेगा 1 lakh का। सेक्शन 19 में देखोगे तो सेक्शन 19 में आपको ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कुछ बातें की है कि अगर इस एक्ट के तहत आपको कोई भी लेकिन मैम अगर फर्स्ट शादी है तो दूसरी तो वैसे ही वैलिड नहीं होगी ना? हाँ दूसरी वैलिड नहीं होगी मधु जी, बिल्कुल वैलिड नहीं होगी, वैलिड तो नहीं है। लेकिन क्या आप इस वाइफ, इस पर्सन को कोई रेमेडी नहीं दोगे क्या? इसके साथ धोखा हुआ ना, वर्ड तो मुझे डेफिनेटली सेकंड वाइफ नहीं ही लिखना चाहिए था, लेकिन धोखा तो इसके साथ भी हुआ ना। शी कैन ऑल्सो फाइल 494(5) में कि मुझे बताया ही नहीं कि ये जो पर्सन है वो पहले से शादीशुदा था, राइट ओके। मैम सेकेंड शादी करते टाइम अकेले में तो नहीं की होगी, फैमिली तो देखी होगी ना, सेकेंड वाइफ गलती सेकेंड वाली की भी होगी ना। वैद्य जी अब देखो ये अपन अपने जितने भी फैक्ट्स प्रिजम्पशंस हैं हम बिल्कुल अजम्पशंस कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है। अगर आपको याद हो वो मूवी, कौन सी मूवी थी जिसमें आपका अर्जुन कपूर था और परिणीति चोपड़ा थी, इशक ज़ादे मूवी में ये सब कुछ था। अगर आपको पता है तो वहां पे अर्जुन कपूर का कभी भी इंटेंशन नहीं था कि वो उस मैरिज को क्या करे, कंटिन्यू करे। वो एक फ्रॉडुलेंट सेरेमनी के थ्रू जाता है जहां पे उसको पता है कि ये मैरिज को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो लड़की है लड़का है फैमिली देखेंगे ही देखेंगे शादी कर ली। बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लड़की को नहीं पता होता है कि जो लड़का है वो पहले से शादीशुदा है, या लड़के को नहीं पता होती है कि लड़की शादीशुदा है या उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं।
नहीं पता होता है, राइट? तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि हर बार आप फैमिली देखोगे ही देखोगे, इसलिए कहा जाता है भैया अरेंज मैरिज करो, क्योंकि सूझबूझ के सब कुछ देख परख के करते हैं, है ना? वहां पे हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो हमारे लिए अच्छे रिश्ते लेके आते हैं, वो कहते हैं उनको रिश्तेदार वाली आंटी या रिश्तेदार वाली अंकल जो भी कहते हैं, तो उन लोगों का जनरली यही होता है कि उनको पता है कि फैमिली में कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या रिश्ता है, कौन अभी शादी के लिए एलिजिबल है, इसलिए कहते हैं कि भैया अरेंज मैरिज। लेकिन ऐसा नहीं कि लव मैरिज में भी जो कपल है वो बिल्कुल अंधा ही है या उन्होंने कुछ देखा नहीं होगा, है ना? हाँ, पति पत्नी और वो भी एक फिल्म थी, हालांकि देखो उसके अगर फैक्ट्स देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जो फीमेल थी उसको पता नहीं था, पता उसको भी सब था, ठीक है, वहां पे शादी का मामला। चलिए आगे चलेंगे, अब फिल्मों में नहीं जाएंगे क्योंकि फिल्मों के फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, रियल टाइम के अपने पास बहुत सारी सिचुएशन है जिनको हम ऑलरेडी देख सकते हैं, क्लियर? ओके, हाँ अरेंज मैरिज में भी हो ही जाता है। अब अरेंज मैरिज में कैसे धोखे होते हैं, शादी के वक्त बताते हैं कि हमारा लड़का जो है ना बैंक में मैनेजर है, फिर बाद में कुछ और ही पता चलता है, ये आपको भी पता है, जब शादी के दूसरे दिन पति देव उठ के कभी ऑफिस जाते ही नहीं है तब पता चलता है कि वो भैया कहाँ के मैनेजर हैं, राइट? ये काफी बार होता है, इसलिए जरूरी है देखो ऐसे धोखे ना हो, इसीलिए बुरा लगे तो लगे लेकिन जब रिश्ते के वक्त आते हैं तभी पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट मांग लो ताकि एज कंफर्म हो जाए, कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर देख लो, उसका सैलरी स्लिप देख लो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हालांकि आज के टाइम पे अगर ये चीजें मांगी तो सामने वाले रिश्तेदार फटाक से ऑफेंड हो जाते हैं, वो बोलते हैं जाओ हमें आपके यहाँ शादी करनी नहीं, बट भैया जांच पड़ताल नहीं करोगे तो कल आप दोनों भुगतने वाले हो। नाउ यू सी दीज डेज कपल आर ऑल्सो गोइंग फॉर टेस्ट बिफोर द मैरिज, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरा एक बॉडी चेकअप, HIV टेस्ट और सब कुछ के लिए जाते हैं, सो दैट इन फ्यूचर दे डोंट हैव टू गो विद एनी ऑफ द सिचुएशन जहां पे उनका रिलेशनशिप एडवर्स हो सकता है। So, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, राइट? चलिए सेक्शन 19 में आपको ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है कोर्ट के बारे में कि हर वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको यहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन बैठता है, वो केस जो है सुन सकता है, पेटिशन सुन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो केस जो है पेटिशनर ने कहां फाइल करना चाहिए, जहां पे वो खुद रह रहा है या फिर जहां पे दोनों कपल जो है दोनों पर्सन दैट इज मियां बीवी लास्ट यहां पे रिसाइड हुए हो। सेक्शन 24 इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेक्शन 24 और 25 इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि सेक्शन 24 बताता है हमको कि मेंटेनेंस कब मिलेगा, ये कौन से मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ये मेंटेनेंस पेंडेंट लिट की बात कर रहा है, मतलब अभी भी जो प्रोसीडिंग है वो खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यू है, व्हाइल योर प्रोसीडिंग इज स्टिल सबसिस्टिंग, तब जाके एक मेंटेनेंस का ग्राउंड मिलता है दोनों हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, दोनों को क्या मिलता है यहां पे एक ग्राउंड मिलता है कि दोनों में से कोई भी पेटिशनर हुआ या फिर रिस्पोंडेंट हुआ क्या डिमांड कर सकता है, एक मेंटेनेंस की डिमांड जो है यहां पे रख सकता है, ठीक है। मैम क्या लड़का शादी के पहले कोई और रिलेशनशिप में रहा है तो क्या नेक्स्ट गर्ल क्या करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट गर्ल के पास सीधा ऑप्शन है, शादी करनी है तो करो नहीं तो नहीं करनी है तो मत करो। देखो सिंपल है, इफ यू हैव बीन इन रिलेशनशिप विद एनीवन बिफोर योर मैरिज, और बहुत नॉर्मल सी बात है कि हाँ भाई शादी से पहले किसी ना किसी का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर है भी तो दूसरी जब शादी करने जा रहे हो अगर बता दिया तो दैट इज कंप्लीटली ऑन दैट पर्सन टू एक्सेप्ट दैट थिंग और नॉट, जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं और इतना दिमाग अपना इतना बड़ा रखो कि ठीक है एवरीबडी हैज अ पास्ट ऑफ हिज ओन, बट दैट डज नॉट मीन कि ये जो है आपके आज के रिलेशन पे हावी हो जाएगा, पास्ट इज पास्ट, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, आज से क्या है आज जब वो पर्सन आपके सामने आया है तब क्या है और आज के बाद वो क्या है वो इंपैक्ट पड़ता है, ना कि उसका पास्ट क्या रहा है। एवरीबडी हैज अ पास्ट, यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन हैज गॉन थ्रू, राइट? तो उस पर्सन के पास अगर आप लीगल एस्पेक्ट से पूछोगे तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है, क्लियर? ओके, राइट, चलिए तो सेक्शन 24 एक बार देखेंगे जो कि बात करता है हमारे मेंटेनेंस पेंडेंट लिट की। सेक्शन 24 में हमने दोनों को एक ग्राउंड दिया है, दैट इज वेयर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस अपीयर्स टू द कोर्ट वाइफ और हस्बैंड हैज नो सफिशियंट इनकम, अगर उनके पास सफिशियंट इनकम नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, ग्राउंड बनता है किस चीज का, डाइवोर्स का ग्राउंड जब चल रहा है, चाहे आपकी डाइवोर्स की पिटीशन चल रही हो या फिर कोई रेस्टिट्यूशन चल रहा हो, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा हो, उस वक्त 24 के अंतर्गत हस्बैंड या वाइफ के दोनों में से किसी के पास भी सफिशियंट सोर्सेज नहीं है इनकम के,
तो हस्बैंड वाइफ से मांग सकता है और वाइफ हस्बैंड से भी मांग सकती है। अगर यहाँ पे वाइफ अच्छी भली कमा रही है तो उसका अच्छा सोर्स है इनकम का, तो भैया हस्बैंड भी मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हस्बैंड नहीं मांगेगा। 25 में क्या बोला है, परमानेंट एलिमनी, परमानेंट एलिमनी की बात कर रहा है। प्रोसीडिंग जब खत्म हो गई है, एट द कंक्लूजन ऑफ द डिक्री कोर्ट एक अमाउंट बता देता है कि ये मेंटेनेंस या तो आप मंथली देने वाले हो या एक परमानेंट एलिमनी देने वाले हो, 25 लाख, 30 लाख या कुछ प्रॉपर्टी, वो सब जाती है वहां पे। और 26 में हमने बोला है कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, और जो सेक्शन 15 में हम लोग गलती से बोल के आए थे वो दे रखा है हमें सेक्शन 27 में, दैट इज योर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, मुद्दा कोर्ट में जा चुका है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यदि कोर्ट चाहे तो हस्बैंड एंड वाइफ द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी है कि जो जॉइंटली ओन की गई है उनके द्वारा, उसका क्या कर सकता है कोर्ट, यहां पे विभाजन कर सकता है। ठीक है, ठीक, फाइन, ओके। स्टूडेंट से निवेदन है, इनफैक्ट हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग डिसिप्लिन बनाए रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, प्लीज। ठीक, सब देखो मजाक मस्ती करने के लिए मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट दिस थिंग, आई एम वेरी फ्रैंक विद माय स्टूडेंट्स एज वेल। कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, स्ट्रिक्टनेस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के मामले में दिखाई है। बट व्हेन इट कम्स टू मजाक, जम के करो, लेकिन कितना भी मजाक करो उसमें थोड़ा सा क्या करना है हमको, एक लिमिट जरूर देखनी है। देखो हर्ट किसी को भी नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं, या थोड़ा भी लगता है ना तो दुखता है, तो किसी को यहाँ पे क्यों दर्द करवाना, राइट? यू नेवर नो कि सामने वाला पर्सन किस चीज से जा रहा है। आराम से करो मस्ती मजाक, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट भी करना है सबको, है ना, चाहे हमारी उम्र के हैं, हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं। अच्छा मजाक है तो सब लोग हंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो मजाक, बट थोड़ा सा क्या करना है, डिसिप्लिन भी ध्यान रखेंगे सब लोग, क्योंकि क्लास किसकी चल रही है, जुडिशरी की चल रही है। जुडिशरी हो गए या यूपीएससी का एग्जाम हो गए, ये अपने आप में एक लेवल के एग्जाम है जो कि आपसे एक डेडिकेशन, एक सिंसियरिटी मांगते हैं, एज वेल एज आपसे एक लेवल का डिसिप्लिन मांगते हैं, राइट? ठीक है, ओके, सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, आप सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, क्लियर? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अगर वहां से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा तो फिर यहां से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, क्लियर? ठीक है, चलिए, ओके, बट आई डोंट बिलीव कि भैया किसी को रोका जाए, मस्ती से बात करो, अच्छे से क्लास अटेंड करो, क्लियर? चलो, ओके, हाँ जी, आगे चलेंगे। तो फाइनली हिंदू मैरिज एक्ट हुआ खत्म। कौन सा एक्ट खत्म हो चुका है? हिंदू मैरिज एक्ट हम खत्म कर चुके हैं। अब चलेंगे हमारे अगले एक्ट की तरफ, जो कि अगले 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाने वाला है। मेरी कृपा से नहीं सौरभ जी, घर वालों के आशीर्वाद की वजह से और आपकी मेहनत से बनोगे। हमारा तो एक तरह का आप कह सकते हो हेल्प है आपके लिए, आपका डेडिकेशन है, आपकी इच्छा है, इसलिए आप आए हो यहाँ पे, राइट? तो आपकी मेहनत से आप लोग बनने वाले हो। बाकी कृपा तो देखो सब बरसाते हैं, कृपा तो हमारे ऊपर हमारे घर वाले भी बरसाते हैं, है ना, घर वाले भी बरसाते हैं, भगवान भी बरसाते हैं, पर सबको सब कुछ नहीं मिलता है, या सबको सब कुछ सही टाइम पे मिलता है, राइट? ओके, हाँ जी, शादी खत्म, डाइवोर्स खत्म। अब हम चलेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप पे। शादी हो गई ना, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब इस बच्चे का, इस माइनर बच्चे का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, इस माइनर का गार्डियन कौन है, या फिर एक माइनर कौन होता है, या गार्डियन बनने के योग्य कौन कौन होते हैं, ये 1956 का हमारे पास एक्ट है। इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इसका सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में बताता है, जिसमें से आपको माइनर के बारे में क्या बोला। सब जगह आपको माइनर का एक ही डेफिनेशन दे रखा है, दैट इज माइनर इज अ पर्सन, 4A है, माइनर इज अ पर्सन जो कि हमारे कौन है, 18 वर्ष से नीचे का है, 18 ईयर से बिलो है, वो माइनर की कैटेगरी में आ जाता है। फिर हमें बताया है गार्डियन कौन होता है, यहां जाके हमें गार्डियन की डेफिनेशन दी गई, और इन्होंने बोला हमारे पास चार तरीके के गार्डियन हैं, हमारे पास चार तरीके के गार्डियन हैं, और गार्डियन सिर्फ और सिर्फ माइनर का नहीं होता है, माइनर की प्रॉपर्टी का भी होता है और माइनर पर्सन का भी होता है, मतलब उस पर्सन की बॉडी का होता है और माइनर की प्रॉपर्टी का भी होता है, माइनर्स प्रॉपर्टी एज वेल। तो होते कितने प्रकार के हैं, तो उन्होंने बोला भैया नेचुरल गार्डियन होता है,
दूसरा होता है टेस्टामेंट्री गार्डन. दे हैवंट यूज्ड द वर्ड टेस्टामेंट्री गार्डन, बट व्हाट वर्ड दे हैव यूज्ड इज कि वहां पे एनी गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ विल. एनी गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल. थर्ड बोला है गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट. एंड फोर्थ बोला है ऐसा कोई भी गार्डियन जो कि आपके कोर्ट्स ऑफ वार्ड के इनैक्टमेंट के अंदर ऐसा एक्ट करने के लिए एलिजिबल है, वो हो जाता है हमारा एक और गार्डियन. ठीक है, क्लियर. आगे नेक्स्ट जो हमें बी के बाद हमें एक और डेफिनेशन दिया है, दैट इज नेचुरल गार्डियन. तो उन्होंने बोला नेचुरल गार्डियन वही है जो कि हमारे सेक्शन 6 में मेंशनड है. तो सेक्शन 6 में नेचुरल गार्डियन होता कौन है, इस नेचुरल गार्डियन के बारे में हम समझेंगे. लेकिन सारे गार्डियंस को अलग अलग नहीं समझ के हम एक ही बारे में सारे गार्डियंस को एक ही स्ट्रोक में समझने वाले हैं. ठीक, हां जी, व्हाइट थोड़ा अच्छा है, व्हाइट थोड़ा बेहतरीन है, राइट. ओके, मनुजीत जी बोल रहे हैं मैम आज शादी होंगी, बच्चे होंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे और लास्ट में आज क्लास के एंड में ऑनलाइन ही गॉड के पास. नहीं नहीं देखो, हाँ सक्सेशन तक हम लोग जरूर पढ़ेंगे, सक्सेशन तक हम लोग जरूर पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 जनरेशन को पढ़ेंगे. एक बहुत शानदार चार्ट है आप लोगों के लिए, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी हो जाएगा. ये आपके क्लास 2 हेयर्स के हैं. ये चार्ट हमने कल मेंस की क्लास में भी बनाया था और बच्चों को काफी पसंद आया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझना क्या हो गया है, थोड़ा इजी हो गया, राइट. चलिए अभी आगे चलने वाले हैं हम, जहां पे हम लोग अब आगे का जो सेक्शन है और आगे का जो एक्ट है उसको डील करेंगे. क्लियर, हां जी. तो अब यहां पे हम सब कुछ देखने वाले हैं. मुस्लिम लॉ पूरा, ये मुस्लिम लॉ अगले मंडे को होने वाला है स्वर शाह जी. मंडे को सिर्फ मैम की क्लास रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मंडे आएंगे. अगला मंडे जो आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या डेट है, 24 है शायद. तो उस मंडे को हम डील करेंगे मुस्लिम लॉ, और उसका अगला मंडे, दैट इज आई थिंक 31st या ऐसा कुछ है, शायद नॉट 31st, 29 या ऐसा कुछ डेट है, आप लोग देखिएगा. उस अगले मंडे को हम लोग क्या डील करने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करने वाले हैं. ठीक है, ओके. हाँ महिला जी, आप इसको मेंस के एंगल से भी देख सकते हो. ठीक है, क्लियर, ओके. क्या हुआ मधु पांडे जी, कोई परेशान कर रहा है तो बताओ. ठीक, क्लियर, हाँ जी. चलिए शुरू करेंगे अब हम यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे हमें चार तरीके के क्या करने हैं, चार तरीके के हम लोग यहाँ पे गार्डियन डिस्कस करने वाले हैं. चार तरीके के गार्डियन रहने वाले हमारे पास, क्लियर है जी. जब हम गार्डियन की बात करते हैं तो हिंदू गार्डियन, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के तहत सबसे पहले सेक्शन 6 किसकी बात करता है, नेचुरल गार्डियन की. नेचुरल गार्डियन की बात करता है, उसके बाद हमारे पास आता है एक और सेक्शन जो कि किसकी बात करता है, टेस्टामेंट्री गार्डियन की. किसकी बात करता है, टेस्टामेंट्री गार्डियन की बात करता है. वो दे रखा है हमको सेक्शन 9 में. सेक्शन 9 में टेस्टामेंट्री गार्डियन पढ़ेंगे. और सेक्शन 7 में हमें एक और के बारे में बोल रखा है, दैट इज गार्डियन ऑफ एन अडॉप्टिव सन. ये अलग से क्यों दे रखा है, गार्डियन ऑफ अडॉप्टिव सन, क्योंकि जब ये एक्ट बना था उस वक्त सबसे ज्यादा किसी को अडॉप्ट किया जाता था तो वो सन को अडॉप्ट किया जाता था, राइट. 9 में टेस्टामेंट्री गार्डियन के बाद 11 में वी हैव डी फैक्टो गार्डियन. डी फैक्टो गार्डियन वो होता है जो कि बाय सर्कमस्टेंसेस गार्डियन बन जाता है. कोई चाइल्ड था, हाँ जी एकता जी, हिंदू लॉ के भी इंपॉर्टेंट केसेस का एक अलग से लेक्चर ले लेंगे. हालांकि इसमें आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट जब अभी डील करेंगे तो हम लोग प्रकाश वर्सेस फूलवती से लेके विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का केस भी डिस्कस करने वाले हैं. आधे घंटे क्लास में जमे रहिएगा, ठीक है. डी फैक्टो गार्डियन क्या हुआ, कोई चाइल्ड था और उस चाइल्ड के पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर बेचारा ननियाल चला गया, मामा मामी मासा मासी ने उसको क्या किया है, पाल पोस के बड़ा किया, तो जो भी उसके ननियाल पक्ष थे वो क्या हो गए हैं, उसके बाय डिफॉल्ट, बाय फैक्ट उसके गार्डियन बन जाते हैं. नेचुरल गार्डियन में बोला कि नेचुरल गार्डियन की जब हम बात करेंगे तो एक लेजिटिमेट बॉय और लेजिटिमेट गर्ल का सबसे पहले गार्डियन रहेगा फादर, उसके बाद रहेगी उसकी मदर. व्हेन इट कम्स टू, अच्छा साथ में यहां पे अनमैरिड गर्ल भी है. कौन है, अनमैरिड गर्ल भी आ गई है.
अगर कोई इलेजिटिमेट बॉय या गर्ल है तो उस मामले में पहले मदर गार्डियन होगी, फिर एक फादर गार्डियन होने वाला है। व्हेन इट कम्स टू अ मैरिड माइनर गर्ल, मैरिड माइनर गर्ल, तो हस्बैंड क्या होता है, उसका एक नेचुरल गार्डियन होता है। गार्डियन कौन होता है ये तो क्लियर, लेकिन क्या एक गार्डियन डिस्क्वालिफाई भी होता है क्या? द आंसर इज येस, देर आर सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफाई कब हो जाता है आपका एक गार्डियन? तो डिस्क्वालिफिकेशन में अगर सबसे पहले ही सीजेस टू बी अ हिंदू, क्या सीजेस टू बी अ हिंदू, अब आप हिंदू रहे ही नहीं हो, या फिर सेकेंड बोला है रिनाउंसेस द वर्ल्ड, आपने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, हर्मिट बन चुके हो, एसेटिक बन चुके हो, सन्यासी बनना या फिर वनप्रस्थ बनना, अब यहां पे आप नेचुरल गार्डियन नहीं बन सकते हो। हमेशा एक अडॉप्टिव सन का गार्डियन कौन रहने वाला है? तो साफ साफ बोल दिया है पहले अडॉप्टिव फादर रहेंगे, उसके बाद अडॉप्टिव मदर आएगी। टेस्टामेंट्री गार्डियन का मतलब है जब भी हाँ जी माहिरा जी करवा देंगे आप बोलेंगे तो ठीक है, ओके। नाउ सी, यस ये बहुत अच्छा सवाल था प्रतिष्ठा जी, इसको मैंने होमवर्क में भी दिया कि भाई दोनों ही अगर माइनर हैं तो उस केस में आपका गार्डियन कौन रहने वाला है, उस केस में आपका गार्डियन कौन रहने वाला है। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है कि आपका फादर या मदर बाय विल एक पर्सन को अपॉइंट करके जाते कि हमारी डेथ के बाद ये पर्सन हमारे बच्चे का क्या रहने वाला है, गार्डियन बनने वाला है। लेकिन अगर फादर विल से एक टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करके गए हैं तो वो गार्डियन या फिर वो टेस्टामेंट्री तब तक इफेक्ट में नहीं लेगा जब तक मदर जिंदा है, क्योंकि मदर है ना, तो टेस्टामेंट्री जो गार्डियन था अभी रुक जाओ अपन जिंदा है, माताजी जिंदा है, तो पहले माताजी का रोल आएगा। जब माताजी की डेथ हो जाएगी तब फादर द्वारा अपॉइंटेड वो टेस्टामेंट्री गार्डियन का इफेक्ट आएगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, अपना यहां पे एक रोल जो है प्ले कर सकता है। राइट, बिल्कुल सही है सोनित जी, यहां पे जब भी आप माइनर की बात करोगे आपको ऑर्डर 32 जरूर पढ़ना चाहिए, आपको ऑर्डर 32 यहां पे जरूर पढ़ना चाहिए, ऑर्डर 32 का रूल 1 से लेके रूल 4 तक एक बार जरूर पढ़े कि अगर एक माइनर पर्सन को किसी भी तरीके से किसी पर्सन को स्यू करना है वो खुद से स्यू नहीं करेगा, ही विल स्यू बाय अ नेक्स्ट पर्सन, और कोई गार्डियन डेफिनेटली आ सकता है उस माइनर को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, ओके। काव्या क्या बोल रही है, काव्या कहना चाहती है मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा, गालिब ने ये भी ना सोच के अपनी सांस भी एक दिन बेवफा बन जाएगी, गालिब ये भी ना सोचा कि अपनी, ये मतलब कोई सेंस है, पता नहीं क्या क्या तो बातें करते हो तुम लोग, हाँ कोई भी सेंस है, सुन के पढ़ के हंस लेते, कितनी बार बोला है मैंने ये एक्सटर्नल मोटिवेशन सिर्फ 5-10 मिनट रहने वाली है ना, मोटिवेशन चाहिए इंटरनल मोटिवेशन, और ये ना दिल दुखाने वाली चीजें मत किया करो, ठीक है। यस गार्डियन एड लिटम, परफेक्ट वंशिका जी, ओके ओके। तो फिर संतोष जी मदर वाला प्रिवेल करने वाला है, क्लियर, मदर वाला प्रिवेल करने वाला है। नाउ अब टेस्टामेंट्री गार्डियन में महत्वपूर्ण ये है दैट जब भी कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात आए, अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात आई तो वहां पर मदर टेस्टामेंट्री गार्डियन बनाएगी, इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उस इलेजिटिमेट चाइल्ड का अगर आगे हमको टेस्टामेंट्री गार्डियन बनाना है, मदर इज गोइंग टू डिसाइड। एक चीज याद रखेंगे, ये जो फादर और मदर हम सब जगह बात कर रहे हैं ना, इट डज नॉट इंक्लूड योर स्टेप मदर और स्टेप फादर, इनमें कभी भी स्टेप फादर और स्टेप मदर को यूज नहीं किया जाता, या स्टेप फादर जो है इसकी कैटेगरी में नहीं आने वाले हैं। और सेक्शन 11 ने बोला है जो डिफैक्टो गार्डियन है वो कभी भी आपके ऐसे माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं करने वाला है, नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी, आप डिफैक्टो गार्डियन हो वहीं तक रहो, माइनर की प्रॉपर्टी से आप लोग डील नहीं करने वाले हो, इतना सा कहता है। लेकिन सेक्शन 8 को जरूर याद रखना जो कि यहां पे पावर की बात करता है, किसकी बात करता है, जब भी सेक्शन 6 पढ़ोगे रीड विद योर सेक्शन 8 जो कि पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन बताता, इन्होंने पावर दिया है नेचुरल गार्डियन को
कि भैया जहां तक तुमको सीमित लगे, जहां तक तुमको सही लगे, अगर माइनर की नेसेसिटी के लिए या उसके बेनिफिट के लिए इफ यू वांट यू कैन सेल आउट हिज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज करना है, सेल करना है, लीज करना है, गिफ्ट करना है, कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं करोगे। अगर लीज करना चाहते हो 5 साल से ऊपर तक के समय के लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई भी ट्रांसफर किया, इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर। वो क्या कर सकता है, या तो उसको एक क्या कर सकता है, या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। हमने बोल दिया भैया ये सब माइनर हो, ये सब हमारे पास है, टेस्टामेंट्री गार्डन हो गया, नेचुरल गार्डन हो गया, डिफैक्टो गार्डन हो गया, गार्डन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ये तो है हमारे पास टाइप्स ऑफ गार्डन। लेकिन सेक्शन 10 ने बोला है कभी भी एक माइनर कैन नॉट बी एन गार्डियन ऑफ माइनर। तू भी बच्चा, मैं भी बच्चा, तो एक बच्चे को एक बच्चे का गार्डियन कैसे बनाएंगे, एक बच्चे को हम दूसरे बच्चे का गार्डियन कैसे बनाएंगे, यहां पे बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। 5 साल तक से ऊपर अगर बना रहे हो ऋषभ जी, तो वहां पे परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। सेक्शन 12 ने क्या बोला, सेक्शन 12 ने बोला कि कोई भी गार्डियन कभी भी एक पर्सन की अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी जो है, एक माइनर की अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा एक गार्डियन। बट इफ हाई कोर्ट वांट्स, अगर हाई कोर्ट को उचित लगता है, तो ऐसा गार्डियन अपॉइंट कर सकता है, ऐसा गार्डियन क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर द प्रॉपर्टी, क्लियर। लेकिन प्रॉपर्टी जहां पे उसका जॉइंट इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड गार्डियन उसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला है। और फाइनली सेक्शन 13 में बोल दिया है कि हमारे माइनर का जो इंटरेस्ट रहने वाला है वो कैसा, सॉरी, माइनर का जो वेलफेयर है वो ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन रहेगा। जब भी इस एक्ट के तहत कोर्ट कोई नतीजा दे रहा है, इट इज नेसेसरी कि कोर्ट ने यहां पे क्या करना चाहिए, उस माइनर के वेलफेयर को एक ज्यादा कंसिडरेशन देना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। गीता हरिहरन का एक केस आया था, हम लोग एक केस डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज गीता हरिहरन का केस। देखो अभी हम सेक्शन 6 में क्या पढ़ के आए, अगर फादर है तो मदर तब तक हमारी नेचुरल गार्डियन नहीं है। लेकिन इस केस में गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई का जो ये केस था, इसमें ये बोला गया कि फादर के रहते हुए भी एक मदर जो है वो गार्डियन रह सकती है, गार्डियन बन सकती है इन द एब्सेंस ऑफ फादर, इन द एब्सेंस ऑफ फादर। तो जो हमारे सेक्शन 6 के अंडर वर्ड यूज किया है आफ्टर, दैट डज नॉट मीन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ फादर, इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ द फादर। अगर वहां पे फादर की प्रेजेंस नहीं है, उस केस में मदर क्या बन सकती है, यहां पे गार्डियन बन सकती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, एब्सेंस का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस का मतलब मान लीजिए फादर जो है उनको कन्विक्ट कर दिया गया, फादर को कन्विक्ट कर दिया गया, या फिर फादर जो है अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, ठीक है। मैम माइनर वाइफ का गार्डियन उसका हस्बैंड ही होगा, यस, पर किसी माइनर वाइफ का हस्बैंड माइनर हुआ तो क्या, तो उस केस में ये चीज मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को होमवर्क और रिसर्च के लिए दे चुकी हूं, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डील ऑन दिस पॉइंट कि अगर हस्बैंड भी माइनर है और आपकी वाइफ भी माइनर है, उस केस में आपका गार्डियन कौन रहने वाला है, क्या दोनों के पेरेंट्स यहां पे रहने वाले हैं या फिर आपके उस हस्बैंड के पेरेंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन, फादर को एक गार्डियन क्यों नहीं माना जाता है, गार्डियन को तो योग्यता, फादर को तो गार्डियन मानते हैं ना अपन, एंड फादर इज द फर्स्ट गार्डियन। अगर हम ये एक्ट देखें, दैट इज योर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, तो यहां पे फादर को तो हमने फर्स्ट गार्डियन माना है ना। अगर फादर नहीं है तो फादर की एब्सेंस में वहां पे मदर रहने वाली है, राइट। नाउ कमिंग टू अनदर एक्ट, ये एक्ट हमारा खत्म हुआ, दूसरा एक्ट डील करेंगे जो कि है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये भी अगले 10-15 मिनट में आराम से फिनिश हो जाएगा। हिंदू अडॉप्शन, किस पर्सन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, किस पर्सन को अडॉप्शन में दिया जा सकता है, कौन दे सकता है, कौन यहां पे दे सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। That is your Hindu Adoption and Maintenance Act.
जब इसमें मेंटेनेंस की बात करेंगे, दैट इज योर सेक्शन 18, 19, 20, तो एक बार हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24, 25 रिकॉल करेंगे, एज वेल एज सेक्शन 125 ऑफ योर सीआरपीसी भी एक बार डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, पहले तो डेफिनेशन क्लॉज अगर देखोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड मेंटेनेंस पे ज्यादा फोकस करना है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 में जो आपको डेफिनेशन पे फोकस करना है, दैट इज योर मेंटेनेंस, भरण पोषण क्या होगा। तो इन्होंने बोला इन ऑल अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस, दो केस है यहां पे, एक तो बाकी सारे केसेस में और दूसरा है जब कोई अविवाहित अविवाहित बिटिया हो, दैट इज योर अनमैरिड गर्ल है, तो उसके मामले में मेंटेनेंस क्या आएगा। तो यहां पे बोला इन ऑल अदर केसेस, आपके फूड हो गई है, क्लोथिंग हो गई है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है, वो सब इस केस में आने वाले हैं, ठीक है? अब अगर बात करें अनमैरिड गर्ल की, तो अनमैरिड गर्ल के मैटर में वो सारे रीजनेबल एक्सपेंसेस भी मांग सकती है, एज वेल एज शादी का खर्चा भी, दैट इज एक्सपेंसेस फॉर मैरिज जो है वो भी मेंटेनेंस के कंसेप्ट में आता है। और यहां पे अनमैरिड गर्ल मैरिज के खर्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग रख सकती है, लेकिन लड़के नहीं मांग सकते, ऐसा कुछ खास यहां मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि इन्होंने अलग से पूरा डेफिनेशन बता दिया कि अनमैरिड गर्ल के लिए मेंटेनेंस ये भी होता है, लेकिन अनमैरिड बॉय के लिए शायद इधर मैरिज का जो एक्सपेंसेस है वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, राइट? क्लियर है? ओके, नाउ अडॉप्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अडॉप्शन में हम लोग यहां पे फिर से कम 4 से 5 सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे। अडॉप्शन में 3 चीजें आपको मोटे रूप से दे रखी है, और वो 3 चीजें क्या कहती है, 3 चीजें आपको ये कहती है दैट पहली तो रिक्विजिट्स क्या है, रिक्विजिट्स क्या है एक वैलिड मैरिज के, उसके बाद ये है हु कैन बी गिवन इन अडॉप्शन, हम किसको अडॉप्शन में दे सकते हैं, एंड फाइनली आता है दैट इज योर इफेक्ट ऑफ योर अडॉप्शन। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 बोलता है दैट रिक्विजिट फॉर अडॉप्शन, क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 में दैट हु कैन बी अडॉप्टेड या हु कैन बी गिवन इन अडॉप्शन, एंड फाइनली हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे दैट इज योर इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है, जब हम रिक्विजिट्स की बात करते हैं, हाँ जी हिंदू सक्सेशन एक्ट भी अभी ही पढ़ाएंगे पवन जी, अगले 10 से 15 मिनट बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट स्टार्ट होने वाला है, क्लियर? ओके, लंकेश्वर बोल रहा है जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, माइनर चिल्ड्रन का गार्डियन ऊपर वाला होता है, लाइन काफी अच्छी बोली और सही बात है ये, है ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है ना, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है या पेरेंटेज नोन नहीं है तो फिर उसका कोई नहीं होता है, भगवान होता है ना, तो मानते हो ना कि भाई भगवान तो होता है। अब इस चीज पे नहीं आएंगे कि मैम भगवान देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन एक फेथ होना कि हाँ भगवान होता है, एक आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जरूर दिलाता है, एक कॉन्फिडेंस आपको जरूर यहां पे दिलाता है, क्लियर है? ओके, हां जी सत्य प्रकाश शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हो, केस लॉ आपने साइड किया है, वेरी गुड। ओके, फादर को फर्स्ट गार्डियन क्यों माना जाता है, पूछ के आओ जरा अजयोक्ता, पता चले तुमको, खर्चा पानी संरक्षण सब पिताजी दे तुमको, और अब पूछियो कि पिताजी काहे हमारे फर्स्ट गार्डियन, काहे नहीं, वाई नॉट, ठीक है मैम। आईपीसी सीआरपीसी पूरव शर्मा जी उसके लिए सर है ना, उसके लिए सर है, सर यहां पे उसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ सी रिक्विजिट्स फॉर एन अडॉप्शन, रिक्विजिट्स फॉर अडॉप्शन सेक्शन 6 में 3 चीजें बोली गई है। 3 चीजों में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला यहां पे कि 3 चीजों में आपको जरूरी है ये देखना दैट हु कैन गिव इन अडॉप्शन, ठीक, एंड हु कैन गिव इन अडॉप्शन, और उसके साथ साथ
who may take an adoption and finally क्या जो उसकी है person की capability होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास दो section आने वाले हैं, section 7 as well as section 8. सेक्शन 7 और सेक्शन 8 कैपेसिटी की बात करते हैं. किस पर्सन की बात करते हैं? द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग, पर्सन एक्सेप्टिंग द अडॉप्शन. और दूसरी कैपेसिटी है पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन. कौन एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है? एंड थर्ड पॉइंट है हु कैन बी गिवन इन अडॉप्शन. तो यहां पे अगर मैं बोलूं हु कैन बी गिवन इन अडॉप्शन और हु कैन बी अडॉप्टेड, ये एक ही बात हुई है. तो ये सारे पॉइंट्स हम यहां डिस्कस करेंगे. पर्सन एक्सेप्टिंग अडॉप्शन, तो सेक्शन 7 में हमें मेल की क्वालिफिकेशन बताई है, सेक्शन 8 में फीमेल की क्वालिफिकेशन बताई है. सेक्शन 7 में बोला एक मेल जो है वो यहां पे अडॉप्शन कर सकता है, एक मेल जो है यहां पे अडॉप्शन कर सकता है प्रोवाइडेड He should be, देखो दोनों की लगभग सेम है, मेल हो गया फीमेल हो गया, दोनों ने कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए. दोनों ने कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए. दोनों ने ऑब्वियसली बात है हिंदू पर्सन होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए. एज वेल एज आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी? आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी वाइफ की या हस्बैंड की, कंसेंट ऑफ हस्बैंड और वाइफ. अगर हस्बैंड अडॉप्ट कर रहा है वाइफ की कंसेंट लो, वाइफ अडॉप्ट कर रही है हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी. लेकिन इस कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, इस कंसेंट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. यदि आपके हस्बैंड या वाइफ ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, सीज टू बी अ हिंदू हो चुके हैं, या फिर अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है, क्लियर है? ओके ठीक ठीक है. हाँ मधु जी, ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है. कहीं कहीं पे आप देखिए वहां पे मदर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू योर हिंदू अडॉप्शन एंड सॉरी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, वहां पे फादर को पहले गार्डियन माना गया है. बट अगर अपने से पूछोगे, सब स्टूडेंट से, तो वो भी यही बोलेंगे मदर को फर्स्ट गार्डियन बोला जाना चाहिए, राइट? बिकॉज मदर हैज द राइट टू प्रोक्रिएट, मदर हैज द राइट टू चूज whether शी wants टू गिव birth टू that चाइल्ड और नॉट. तो ये तो माता जी की कंसेंट थी, माता जी की इच्छा थी, तभी तो हम धरती पे आए, और माँ से बेहतर तो और गार्डियन हो ही कौन सकता है, राइट? ठीक है, ओके. हाँ जी, पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन, पर्सन कौन अडॉप्शन में दे सकता है? फादर दे सकता है, मदर दे सकती है, एक गार्डियन दे सकता है. और गार्डियन भी अडॉप्शन में कब देगा? जब फादर और मदर की डेथ हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, या फादर और मदर को दोनों को ही अनसाउंड माइंड का घोषित कर दिया गया है, या उन्होंने कंप्लीटली उस चाइल्ड को अबैंडन कर दिया है, या फिर वहां पे पेरेंटेज के बारे में पता ही नहीं है, पेरेंटेज है वो नोन ही नहीं है कि इस बच्चे के मां बाप कौन है, तो कोई ऐसा गार्डियन क्या कर सकता है? उस चाइल्ड को आपके अडॉप्शन में दे सकता है. ठीक है, जब भी ऐसा चाइल्ड इन केसेस में अडॉप्शन के लिए देगा तो कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, और कोर्ट ऐसी परमिशन ग्रांट करते हुए चाइल्ड का वेलफेयर हो गया है या फिर चाइल्ड की विश हो गई है उसको कंसिडर करेगा, उसको कंसिडर करेगा. ऐसा नहीं कि आप गार्डियन हो तो आप यहां इस चाइल्ड को उठा के अडॉप्शन में दे दोगे. व्हाट इज नेसेसरी, यहां पे जाके कोर्ट की परमिशन लेंगे. इफ कोर्ट अलाउज ओनली देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव दैट चाइल्ड इन अडॉप्शन. फिर से यहां पे सवाल वही है कि ये फादर मदर डज नॉट इंक्लूड स्टेप मदर एंड फादर, स्टेप मदर एंड फादर यहां पे इंक्लूड नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज हु कैन बी अडॉप्टेड, हमेशा एक हिंदू का ही अडॉप्शन हम कर सकते हैं, ऐसे चाइल्ड का ही अडॉप्शन कर सकते हैं जो कि यहां पे हिंदू है. अगर वो चाइल्ड हिंदू ही नहीं है तो हम उस चाइल्ड का अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हिंदू है. नेक्स्ट पॉइंट बनता है दैट इज 15 ईयर्स से बिलो होना चाहिए. अगर आप उस चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हो, व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो 15 ईयर से कम होना चाहिए. 15 ईयर से ज्यादा का आप अडॉप्शन नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इफ योर कस्टम्स प्रोवाइड. अगर आपके कस्टम रीति रिवाज रूढ़ियां आपको अलाउ करते हैं 15 साल से ऊपर व्यक्ति का भी एक अडॉप्शन करना, तो आप अलाउड हो, आप कर सकते हो. वो पर्सन प्रीवियसली अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए,
प्रीवियसली अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए तो हम उसका अडॉप्शन कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक पर्सन का हम दो दो बार अडॉप्शन नहीं कर सकते, एक पर्सन का कभी भी हम दो दो बार अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। इफेक्ट में क्या है, सेक्शन 12 बता रहा है, इफेक्ट का मतलब यह है दैट एक बार अडॉप्शन हुआ तो दैट अडॉप्टिव चाइल्ड बिकम्स द चाइल्ड ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स। ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो उन्हीं को पैदा हुआ हो, ऐसा माना जाएगा कि वो उन्हीं को पैदा हुआ हो, और इस अडॉप्टिव चाइल्ड में जो प्रॉपर्टी वेस्ट कर रही थी इस अडॉप्शन से पहले दैट विल कंटिन्यू टू वेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपका अडॉप्शन हो गया है तो आप पिछले बायोलॉजिकल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का कोई अधिकार है तो वो आप नहीं रख सकते हो, डेफिनेटली रख सकते हो, प्रोवाइडेड कि वहां पे आपने क्या करना चाहिए, राइट्स और लाइबिलिटीज सबको देख कर करना चाहिए। राइट्स और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अगर हैं तो उनको रिमूव करके फिर आपके जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये सारी कंडीशन तो है ही हमारे साथ, लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है हमारे लिए, और वो कंडीशन कौन सी रहती है, वो कंडीशन ये रहती है कि हमें अदर कंडीशंस फॉलो करना है। अगर हम बात करें हमारे सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 मेंशंस अबाउट अदर कंडीशन। अब ये अदर कंडीशन कौन सी है, अदर कंडीशन अब एज से रिलेटेड भी है एज वेल एज आपके प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी अ चाइल्ड, अ सन, या फिर आपके किससे है, डॉटर से रिलेटेड। इफ यू वॉन्ट टू अडॉप्ट, तो यहां पे दो चीजें लिखेंगे हम, एक है अडॉप्शन ऑफ, क्या है, एक है अडॉप्शन ऑफ, दूसरा है अडॉप्शन बाय, दूसरा क्या है, अडॉप्शन बाय। If you want to adopt a son or if you want to adopt a daughter, if you want to adopt a son, make sure that you do not have a son, you do not have a son's son, or you do not have son's son's son. अगर आपका बेटा नहीं है, पोता नहीं है और पड़ पोता नहीं है, कब, at the time of adoption, उस दत्तक के समय में अगर आपका कोई भी बेटा नहीं है, पोता नहीं है, पड़ पोता नहीं है, तब तो आप एक सन को अडॉप्ट कर सकते हो। डॉटर के मामले में बोला है अगर आपकी खुद की कोई डॉटर नहीं है या सन्स डॉटर नहीं है, मतलब कि खुद की बेटी नहीं है और पोती नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप एक डॉटर का अडॉप्शन कर सकते हो। और इनका प्रेजेंस कब नहीं होना चाहिए, इनका प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो डिस्क्रिप्शन में होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। मैं अगर चाहूं मेरे चार बच्चे हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इसमें क्या गलत है, वाह भाई लंकेश्वर रावण, ओके। देखो जो बात कर रहे हैं यहां पे जेजे एक्ट की है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी वहां पे अडॉप्शन होता है, लेकिन वहां पे अडॉप्शन किसका होता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिस चाइल्ड को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया गया है, जिस चाइल्ड के पेरेंट्स का पता नहीं है, यू नो कि कौन चाइल्ड नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन को हम वहां पे डिफाइन कर रखा है, राइट। ऐसे पर्सन को अगर ना तो किसी फिट होम की जरूरत है, किसी फैसिलिटी की जरूरत है, तो उसको वहां पे घोषित कर दिया जाता है दैट दिस पर्सन इज फ्री फॉर अडॉप्शन, ठीक है। वहां पे आपकी स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी अडॉप्शन में दे रही है, यहां पे हमने किसको राइट दे दिया है, यहां पे हमने उस चाइल्ड के पेरेंट्स को ये राइट दे दिया या उस चाइल्ड के गार्डियन को राइट दे दिया कि इसको आप अडॉप्शन में दे सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, अडॉप्शन में बराबर दे सकते हो, क्लियर है, राइट। अब देखो अडॉप्शन बाय, इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल, इफ एन अडॉप्शन इज बाय मेल और एन अडॉप्शन इज बाय फीमेल, यदि एक पिताजी, मैं फादर लिख सकती हूं यहां पर, इसको लिख सकती हूं मदर, ठीक है। इफ अ मेल वॉन्ट्स टू अडॉप्ट अ डॉटर, डी फॉर डॉटर, एंड इफ अ फीमेल वॉन्ट्स टू अडॉप्ट अ सन, तो उनके बीच का एज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स ऑफ एज का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि फादर शुड बी 21 ईयर्स एल्डर देन द डॉटर एंड द मदर शुड बी 21 ईयर्स ओल्डर देन द सन। कहीं ना कहीं ये एज गैप बनाने का
मतलब या ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह का हम लोग इलिसिट रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए इतना जो है एज गैप यहां पे दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है, सेम चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय टू और मोर पर्संस। एक बच्चे को आप एक से दो बार या फिर एक से ज्यादा बार के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नो, कैन अ ट्विन गर्ल्स और बॉयज बी अडॉप्टेड एट द सेम टाइम? नहीं शिवानी जी, बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा सुनो, इसको एक बार अडॉप्ट भी कर लिया ना, ये अब आपका सन बन गया, अब आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, ये आपका सन हो गया है, आप अडॉप्शन एक ही बार करोगे क्योंकि अब वो आपके सन की कैटेगरी में आ गया, अब ये सन जीवित है, अडॉप्टेड सन जीवित है, तो आप कोई सन यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सुरभि तिवारी जी ने 3 दिल भेजे हैं मुझे, थैंक यू सुरभि जी, मैं आपका दिल संभाल के रखूंगी, ठीक है। दिल तोड़ने की आदत है नहीं, ठीक है, ओके, राइट वंशिका जी, बिल्कुल कह सकते हैं, ओके। चलिए, हाँ देखा देखा सुरभि जी, सुरभि जी आपका कमेंट देखा है ना, आपने शर्माते हुए जो 3 दिल फेंके हैं ना यहाँ पे, धन्यवाद उसके लिए, ओके ओके। अच्छा मधु जी आ गई, मम्मी से बात कर, अरे मम्मी को लेके आना था, मैंने क्या बोला था इस क्लास में सब परिवार आना है, ओके ओके ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे सेक्शन 11 के बाद जो हमारे पास महत्वपूर्ण बचती है चीज, वो है सेक्शन 13, क्योंकि सेक्शन 12 अभी हमने इफेक्ट पढ़ लिया है। सेक्शन 13 ने एक राइट दिया, किसको राइट दिया है? सेक्शन 13 ने एक राइट दिया है, किसको राइट दिया? यहां पे राइट दिया हमने अडॉप्टिव पेरेंट्स को, ठीक है। देखो, जो कुछ अडॉप्शंस की आप बात कर रहे हो, उन्होंने कोई और एक्ट या कोई और प्रोविजंस के तहत अडॉप्शन किया है, दिस इज द रीजन कि वो लोग अडॉप्शन कर पा रहे हैं, चाहे दो दो बेटियों का हुआ हो या दो दो बेटों का हुआ हो, राइट। कई बार नॉट इवन नेसेसरी क्यों ना अडॉप्शन किया हो, वो उनके साथ रहने लग जाते हैं, डिफैक्टो गार्डियन बन जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन 13 ये बोलता है कि, सेक्शन 13 ने ये बोला कि अगर हमने अडॉप्शन किया तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि अडॉप्टिव पेरेंट्स के ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहा है प्रॉपर्टी एलिनेट करने के लिए। अगर आपने अडॉप्शन कर लिया है, आप चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी एलिनेट कर सकते हो, आप उसका विल बना सकते हो, नॉट नेसेसरी अडॉप्टिव चाइल्ड को हम यहां प्रॉपर्टी देंगे, नहीं देंगे अगर वहां पे पेरेंट्स की इच्छा नहीं है तो, ठीक है। नाउ अब विकास जी बोल रहे हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं, ओके विकास जी, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो मैडम को हमारी तरफ से नमस्कार, विकास जी हमेशा क्लास में अटेंटिव रहते हैं, इनफैक्ट प्लस हो गई है, स्पेशल क्लास हो गई है, वहां पे अटेंटिव रहते हैं, क्लियर, ओके। हाँ हाँ, पूरी पूरे फैमिली के साथ आप बैठ सकते हो, बैठना भी चाहिए आपको पूरी फैमिली के साथ, ओके ओके। नेक्स्ट, अब चलेंगे सेक्शन 14 पे, क्योंकि सेक्शन 14 बोल रहा है आपको डिटर्मिनेशन के बारे में, किसके बारे में बोल रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ मदर के बारे में बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ मदर या फादर के बारे में भी आपको बोल रहा है। इन्होंने बोला अगर हमारी सिर्फ एक वाइफ है, कितनी है? इफ वी हैव ओनली वन वाइफ, तब तो भैया वो वन वाइफ क्या बन जाती है उस अडॉप्टिव चाइल्ड की? अडॉप्टिव मदर बन जाती है। इफ वी हैव मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा अगर किसी की पत्नियां हैं, तो भैया सबके सब तो मदर जो है आपके अडॉप्टिव मदर बनेगी नहीं, सीनियर मोस्ट वाइफ बिकम्स द अडॉप्टिव मदर एंड रेस्ट ऑफ द वाइफ क्या हो जाती है? स्टेप मदर की कैटेगरी में आती है, स्टेप मदर की कैटेगरी में आती है। अगला सवाल है दैट अगर कोई फादर है, अगर कोई मेल है जो कि या तो बैचलर है, अभी तक शादी नहीं हुई है, या फिर विडोवर है, मतलब जिसकी पत्नी गुजर चुकी है, तो अगर वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बाद में शादी करता है, ही मैरीज आफ्टर द अडॉप्शन, तो इन दैट केस जो इस मेल की वाइफ होगी वो उस चाइल्ड की क्या होगी? वो उस चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर नहीं होगी, स्टेप मदर होगी। क्या होने वाली है? स्टेप मदर होने वाली है। एंड इन केस ऑफ अ फीमेल जो पहले कुंवारी थी, बैचलर थी, या फिर जो शादीशुदा थी लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई, नाउ शी इज अ विडो, इफ आफ्टर अडॉप्शन शी मैरीज,
दत्तक के बाद अगर उसने विवाह किया तो ये जो फीमेल है, इस फीमेल का जो हस्बैंड होने वाला है वो उस चाइल्ड का अडॉप्टिव फादर नहीं होगा, वो उस चाइल्ड का स्टेप फादर होगा। क्या होने वाला है? वो उस चाइल्ड का स्टेप फादर होने वाला है। क्लियर? डेली क्लास टाइम जसपाल जी, पहले रोज 10 बजे लगती थी लेकिन अब यूट्यूब का टाइम जो है हफ्ते में एक बार कर दिया गया है, हफ्ते में एक बार कर दिया गया है। मतलब मेरी हाजिरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंडे को लगेगी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंडे को प्रेजेंट रहने वाली हूँ। मंडे को भी मॉर्निंग 11 AM से लेके मान के चलिए 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 घंटे, मतलब जितना भी आपका टॉपिक रहा लंबा उतना, ठीक है। अब आई एम श्योर जिस दिन हम लोग टीपी एक्ट लेने वाले हैं उस दिन काफी लंबा चौड़ा हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। सेरोगेट मदर लंकेश्वर, देखो जिसने आपके बेबी को पाला है 9 महीने उसका यहाँ पे कोई लेन देन नहीं होगा, ठीक है। वो किराए की कोक हो जाती है, वो आपकी कोई मदर नहीं कहलाएगी। लेकिन हाँ, जिसको आपने बच्चा सौंपा फाइनली, अब देखो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के मामले में देखो, जो उन्होंने बेटी सेरोगेसी से ली है, राइट। तो शिल्पा शेट्टी इज अ मदर, ठीक है, एकदम बराबर वो उसकी मदर है। जो सेरोगेट मदर थी वहां पे, उसका यहाँ पे कोई लेन देन नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेरोगेट होगी, ओके, राइट। नाउ सेरोगेट मदर बिल्कुल भी क्लेम नहीं करेगा, इसीलिए देखो लंकेश्वर, इसीलिए जब भी सेरोगेसी के लिए जाते हैं उससे पहले एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनका, उस चाइल्ड से, उस सेरोगेट मदर का कोई लेन देन नहीं है। शी इज देयर ओनली टू डिलीवर द बेबी, सिर्फ और सिर्फ बेबी डिलीवर करने के लिए वो वहां पे होती है। वो चाइल्ड को क्लेम नहीं करेगी, वो चाइल्ड को क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने उस चाइल्ड को अपनी कोख में 9 महीनों के लिए पाला ही इसलिए है ताकि वो उसको आगे क्या कर सके, उस चाइल्ड को आगे दे सके। अब सेरोगेसी के लिए बात करेंगे तो कहते हैं भैया एल्ट्रिस्टिक सेरेमनी के लिए, सेरोगेसी के लिए आपको जाना चाहिए, मतलब कि जहां पे आप बहुत ज्यादा एक बड़ा अमाउंट ना दें किसी के हेल्प करने के लिए, आप एक सेरोगेट मदर बन सकते हैं। आई होप यू नो दैट इंडिया इज द हब ऑफ सेरोगेसी, यहाँ पे सेरोगेसी को एक अच्छा बिजनेस भी माना जाता है, जिसकी वजह से जिन घरों में बच्चे नहीं है एटलीस्ट वहां पे बच्चे जो है वो आ सकें, ठीक है। तो सेरोगेसी का भी एक ऑप्शन है, ठीक। सेरोगेसी में नॉट नेसेसरी कि हमेशा कपल को मैरिड होना ही अनिवार्य है, अनमैरिड कपल भी क्या कर सकता है, सेरोगेसी के लिए जा सकता है, ओके। अच्छा कंसेप्ट है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया हो या फिर आपके जुडिशरी के एंगल से हो गया हो, ठीक। तो ये सब कुछ था हमारे डिटर्मिनेशन के हिसाब से, डिटर्मिनेशन ऑफ मदर, और मदर भी कौन सी, अडॉप्टिव मदर। अभी चलेंगे एक सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 एक अच्छी चीज बोलता है। सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर, सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर एक बार अडॉप्शन हुआ, एक बार अडॉप्शन हुआ, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये अडॉप्टिव चाइल्ड कैन नॉट रिनाउंस हिज स्टेटस। अब ये जाके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं मिल सकता। एक बार चिल्ड्रन को, एक बार चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया है ना, अब आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते हो। आपके जो भी रिश्ते थे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वो सारे खत्म हो जाते हैं, इनफैक्ट वो रिप्लेस कर लिए जाते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स द्वारा। ऑल्सो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ जब आप रहते थे, जब आप इनके बच्चे थे, तो उस वक्त जिन भी रिश्तेदारों से आप शादी नहीं कर सकते थे, वही के वही अभी भी, भले ही आपको अडॉप्ट कर लिया गया लेकिन अभी भी आप इन सब रिश्तेदारों में शादी नहीं कर सकते, इन सब बहनों से वगैरह से शादी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। सेरोगेसी आज तक समझ नहीं आया, ओके। सोने जी एक काम कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, एक आपको अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको एक क्लास मिल जाएगी ना, सेरोगेसी लेक्चर बाय शिवानी मैम, देखिएगा आपको कहीं पर किधर तो मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा उस क्लास में सेरोगेसी को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने देखी हुई भी होगी, ठीक है, राइट विकास जी, परफेक्ट, ठीक, ओके। सर्च करके देख लो, अभी भी आपको मिल जाएगा सेरोगेसी लेक्चर बाय शिवानी मैम, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 आपको बोल दिया है कि भैया वैलिड अडॉप्शन हो गया तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 16 ने आपको प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट बताया कि अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं आपके अडॉप्शन के,
कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि आपका जो अडॉप्शन है वो भी वैलिड है. आपका अडॉप्शन क्या है? वैलिड है. और सेक्शन 17 ने जाते जाते बोल दिया है प्रोहिबिशन ऑन कंसिडरेशन. किसी भी तरह का कंसिडरेशन या पैसा नहीं लोगे अडॉप्शन के वक्त. अगर लिया तो भैया पनिशमेंट हो जाएगी आपको 6 महीने की. Now we will come to maintenance criteria under your Hindu Adoption and Maintenance Act. किसमें? Hindu Adoption और Maintenance Act में maintenance के प्रावधान हमें कहां कहां दे रखे हैं इनके बारे में डिस्कस करें. इनके बारे में सिर्फ 3 सेक्शन है हमारे पास, लेकिन वो तीनों सेक्शन एक से बढ़कर एक हैं, क्योंकि सेक्शन 18 ने बोला कि हम वाइफ को मेंटेनेंस देंगे, ठीक है. सेक्शन 19 ने बोला विडो डॉटर इन लॉ, विधवा बहू, विडो डॉटर इन लॉ जो है यहां पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. और ये किससे करेगी? ये करेगी फादर इन लॉ से, ससुर जी से, है ना. तो ससुर जी से यहां पे बहू एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. और फाइनली 20 में हमने बोला है चिल्ड्रेन या फिर एजेड और इनफर्म पेरेंट्स यहां पे क्या कर सकते हैं? एक मेंटेनेंस की डिमांड रख सकते हैं, ठीक है. हाँ लंकेश्वर पानी पियेंगे, लेकिन ये सेशन खत्म करने के बाद सक्सेशन एक्ट शुरू करने से पहले एक बार पानी जरूर पी लेंगे, ठीक है. सेक्शन 18 में बोला वाइफ मेंटेनेंस मांगेगी. वाइफ मेंटेनेंस तब मांग सकती है व्हेन शी इज लिविंग सेपरेटली. सेपरेटली रहते हुए वो मेंटेनेंस मांग सकती है, क्योंकि यहां पर ग्राउंड ये हैं कि भैया आपने उनके साथ क्रुएलिटी किया है. आपने उनके साथ क्रुएलिटी किया तो वो अलग तो रहेगी, साथ में आपसे मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकती है यहां पे. और अगर आपने डेजर्शन किया, आपने उसको डेजर्ट करके रहे, या फिर हस्बैंड इज लिविंग विद अनदर वाइफ, दूसरी वाइफ के साथ रहना लग गया है. फोर्थ है इफ हस्बैंड इज लिविंग विद हिज कॉन्क्यूबाइन के साथ रह रहे हैं. देखो ये सारे ग्राउंड्स आपके 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के एडिशनल में है. उसके क्या है? एडिशन में है. किसी प्रकार का कन्वर्जन किया यहाँ हस्बैंड ने, हस्बैंड कन्वर्ट हो गया है, विमेन यहाँ पे क्या कर सकती है, सॉरी वाइफ यहाँ क्या कर सकती है? मेंटेनेंस की डिमांड रख सकती है. अब ये विडो डॉटर इन लॉ ससुर जी से सीधा मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है दैट इस विडो डॉटर इन लॉ के पास खुद की सफिशियंट प्रॉपर्टी है ही नहीं. सफिशियंट प्रॉपर्टी नहीं है, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद के अर्निंग्स के द्वारा. साथ ही साथ उसके हस्बैंड के जो स्टेट हैं, दैट इज हस्बैंड की प्रॉपर्टी सफिशियंट नहीं है. हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो गई, फादर हो गए, मदर हो गए, सन हो गया या डॉटर हो गया, इनकी भी प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है या अनेबल है उनकी प्रॉपर्टी में से वो यहाँ पे किसी भी तरह का मेंटेनेंस लेने के लिए. तो उस केस में डॉटर इन लॉ सीधा सीधा फादर इन लॉ से यहाँ पे मेंटेनेंस मांगेगी, ठीक है. क्लियर है मैम? आज मेरा बर्थडे है. अच्छा आपको निमंत्रण है, ओके. पुष्प राज जी ऑफिशियल का बर्थडे है, बधाई हो, है ना. बधाई हो, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द थिंग्स दैट यू डिजायर और ऑल द ड्रीम्स दैट यू वांट टू गेट फुलफिल्ड. आपको दुनिया जहान की सारी खुशियां मिले. और हाँ, दिल से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, मिलनी भी चाहिए, बर्थडे है, राइट. एंजॉय करो, पार्टी वार्टी करो, जाओ. बस ध्यान रखो कि कोरोना काल है तो कोरोना से थोड़ा सा दूर रहते हुए पार्टी वगैरह कर लो, ठीक है. चलिए ओके. कौन सी मूवी की बात हो रही है? वही जो तुम लोगों ने कल शेयर की थी, वो कोई भूत डरावनी मूवी. ओके राइट. चलिए अब चिल्ड्रेन या फिर एजेड या इनफर्म पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं मेंटेन की. चिल्ड्रेन किससे करेंगे? देखो चिल्ड्रेन चाहे लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट, यहां पे मेंटेनेंस की डिमांड रख सकते हैं. पेरेंट्स ध्यान रखना, पेरेंट्स अपने सन से भी डिमांड कर सकते हैं और डॉटर से भी कर सकते हैं. यहां पे जो चिल्ड्रेन है ना, वो फादर से भी कर सकते हैं और मदर से भी कर सकते हैं. ये चीज ध्यान रखिएगा. ये सेक्शन आपका 20 कहता है जहां पे चिल्ड्रेन जो है अपने घर वालों से मेंटेनेंस की कब डिमांड रख सकते हैं. और अगर हम कह रहे हैं कि इन पेरेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस की डिमांड मांग रहे हैं, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द चाइल्डलेस पेरेंट्स. व्हाट डज इट इंक्लूड? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द चाइल्डलेस स्टेप मदर. ध्यान रखना, पी में बोला है इट इंक्लूड्स
चाइल्डलेस स्टेप मदर, सौतेली माँ का खुद का कोई बच्चा नहीं है ना, तो वो अपने सौतेले बेटे या सौतेले बेटी से मांग सकती है. दिस इज वॉट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 20. क्लियर है? अब आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास यहां पे 21 में एक लिस्ट दे रखी है डिपेंडेंट्स की. डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज्ड, कोई भी पर्सन यदि मर चुका है तो उसके ऊपर भी आश्रित कुछ लोग होंगे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये पी था, मतलब मान लीजिए यहां पे पिताजी थे, पी था, इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है. इसका एक है सन. अब इन पिताजी के ऊपर आश्रित होंगे ना, इन पिताजी की मदर होगी, इस पिताजी की वाइफ होगी, इस पिताजी की एक डॉटर होगी, तो भैया ये सारे डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो इन डिपेंडेंट्स को भी हम मेंटेनेंस देते हैं अंडर सेक्शन 21 कि भैया आप भी मेंटेनेंस ले सकते हो. इनको मेंटेनेंस कौन देगा, वही पर्सन जिससे हम क्लेम कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि यहां पे क्लेमेंट कौन होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए. ये क्लेमेंट कैसा होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए. इस मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो भी अल्टर किया जा सकता है. मेंटेनेंस देने से पहले उस पर्सन का स्टेटस देखा जाएगा जिसको हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, या फिर हाँ राइट, स्वर्गवासी हो गया है, हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट क्लियर. तो जिस पर्सन को मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका भी हम लोग स्टेटस देखने वाले हैं, जिसको दे रहे हैं उसका स्टेटस देखेंगे, उनका रिलेशन देखने वाले हैं. और भी कोई डिपेंडेंट्स है क्या? अब देखो, अब ये मदर जाके सन को बोलेगी मेरे को महीने का 15,000 रुपया दो. सन बोलेगा रुको माता जी, मदर भी है मेरी यहाँ पे, दादी मान लो, दादी जी डिपेंडेंट है यहाँ पे, मेरी माता भी तो है, मेरी बहन भी तो है, इनको भी तो मुझे मेंटेन करना है ना. तो कोर्ट इज गोइंग टू अलॉट द मेंटेनेंस अकॉर्डिंगली, सीइंग कि भैया और कितने यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट्स है, या फिर इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्या वो सफिशियंट है या नहीं है. क्लियर? किधर छुट्टी? ओके हाँ जी, अब आएंगे हम वसीयत पे. अब आएंगे वसीयत पे तो नहीं, अब हम आएंगे सक्सेशन पे. वी आर नॉट डीलिंग विद इंडियन सक्सेशन एक्ट, वी आर डीलिंग विद हिंदू सक्सेशन एक्ट. तो वहां पे हम लोग क्या डील करने वाले हैं, वहां पे हम लोग डील करेंगे हमारा प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट. क्या डील करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट डील करने वाले हैं. एक तो पहले ये बताओ, ये रंग अच्छा है कि व्हाइट कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा कि व्हाइट कलर अच्छा? आई पर्सनली फील व्हाइट अच्छा है. व्हाइट पे क्या है, अच्छे से प्रिंट अच्छा आता है. हाँ जी, वंशिका जी क्या पूछना चाह रहे हो, एसटी मतलब वाइफ फर्स्ट है तो मिलेगा मेंटेनेंस डिसीज हस्बैंड के केस में? देखो अगर वाइफ खुद को सफिशिएंट नहीं है मेंटेन करने में, सफेद है ना, अच्छा वाइट, ठीक है ठीक है, ओके चलिए. लेकिन यहाँ पे जो चीजें समझाने के लिए और जो कलर यूज करने के लिए व्हाइट थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है. फिर उसके ऊपर सिर्फ एक ही कलर यूज कर सकते हो ब्लैक, इसमें अपन थोड़ा रंगीन चल सकते हो. ओके चलिए शुरू करें हिंदू सक्सेशन एक्ट. अब देखो जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है हमारे पास. लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब एक फैमिली होती है तो उस फैमिली के कुछ मेंबर्स को हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं. सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी का सक्सेशन इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है. तो जब हम हिंदू लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे, तो इस एक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ मिताक्षरा कोपार्सनरी के ऊपर फॉलो करना है. मिताक्षरा कोपार्सनरी अभी हम डिस्कस करके आए थे जब कमेंट्रीज की बात की थी हमने. जब एक हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं और एक बात करते हैं हम कोपार्सनरी फैमिली की, तो इन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि कोपार्सनरी फैमिली एक नैरो कंसेप्ट है, एक नैरो कंसेप्ट है. आपकी एक हिंदू जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, सन है डॉटर है, उसके सन डॉटर बहुत बड़ी हो सकती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोपार्सनरी, तो जो पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ
तीन जनरेशन और आती है तब तक वो मानी जाती है कोपार्सनरी। तब तक वो क्या मानी जाती है? कोपार्सनरी मानी जाती है। बाकी आपकी पूरी आ जाती है किसमें? जॉइंट हिंदू फैमिली में आ जाती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें घर परिवार का सारा सदस्य इंक्लूडेड होता है, राइट? क्या हो गया अमृता जी, क्लियर? ठीक। लेकिन जब बात करें हम अपने कोपार्सनरी की तो वो कंसेप्ट नैरो हो जाता है। जो पर्सन लास्ट पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी, उसके बाद जो ये थ्री लाइंस होती है वो किसमें आती है? हमारे एक जॉइंट फैमिली, सॉरी कोपार्सनरी में आती है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो भी पर्सन कोपार्सनर है वो क्या करता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी को रखने का, लेने का अधिकार रखता है। अब प्रॉपर्टी हमारे पास कितने तरह की होती है? प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। दूसरी है हमारे पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर आप पूछोगे मैम सक्सेशन का राइट किधर, सक्सेशन का राइट इधर, तो मैम इधर क्यों नहीं? इधर इसलिए नहीं क्योंकि वो पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो भैया अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए जो दादाजी की थी, पर दादाजी की थी, आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ले सकते हो। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपका अधिकार नहीं। आप चाहो तो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांग सकते हो। यहां पे आपका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, और अनडिवाइडेड इंटरेस्ट भी कब तक? जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता। जैसे ही पार्टीशन हुआ आपका इंटरेस्ट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, आपको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वंशिका जी कि आपके कौन सी कैटेगरी से, नो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एक्ट्स हैं कैसे नेचर के हैं? सेक्युलर इन नेचर के हैं, प्रोवाइडेड। अब आपने जो एससी की बात की, अगर वो हिंदू हैं तो डेफिनेटली इसे मांग सकते हैं। हिंदूज की में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, मेंटेनेंस मांग सकते हो आप यहां पे। ठीक है वंशिका जी, क्या मैंने आपका डाउट सही समझा है? ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, दादी जी का चश्मा ले लो रावण तुम, अगर वो तुम्हारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आता है। ओके, नाउ कमिंग टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कभी भी सन डिमांड नहीं कर सकता है, बट एक्सेप्शन इज इफ ही प्रूव्स दैट ही हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, तब तो सन मांग सकता है। बाप बेटे दोनों जाते थे पिछले 30 सालों से गल्ले पे, बाप भी बैठ रहा है, बेटा भी बैठ रहा है। अब पिताजी ने वहां पर जाके मान लीजिए खूब सारी प्रॉपर्टी, खुद से पैसा अर्न किया और खूब सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद ली, तो पिताजी मना कर रहे हैं सन को, सॉरी ये तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तुम सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हो। तो यहां सन बोलेगा मैं भी तो बराबर गल्ले पे बैठता था, आई वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर, आई हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, राइट? परेश गोस्वामी जी, मैम वॉइड मैरिज में नो, नॉट एट ऑल। जब मैरिज ही वैलिड नहीं है तो मैरिज से ऐसा कोई भी राइट अराइज नहीं होगा, ना तो राइट ऑफ मेंटेनेंस अराइज होगा, ना ही आपका स्टेटस मिलेगा हस्बैंड एंड वाइफ का, ऐसा कोई भी राइट जो है वो अराइज नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल विकास जी, सब लोग आते हैं इसमें। ओके ओके, ऐसे थोड़ी होता है, मेरा तो देखते ही नहीं, आई एम विजिबल। हाँ तुम विजिबल हो, तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अनिल कपूर क्या बना, हाँ मिस्टर इंडिया थोड़ी ना हो, दिखते हो आप, सब लोग भी दिखते हो, सबके कमेंट्स दिखते हैं। ओके चलिए, बिल्कुल मधु जी डिमांड कर सकते हो प्रॉपर्टी की, बट ओनली एंड ओनली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्लियर? हाँ जी, 125 में भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब कभी भी जब आपको मेंटेनेंस का कंसेप्ट पढ़ना हो, चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24-25 पढ़ रहे हो, 24-25 में कब मांगोगे? जब आपकी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग क्या है, आपकी पेंडिंग चल रही है या आपकी कंक्लूड हो चुकी है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कब मांगोगे? जब आपके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को कंपेयर करना, सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ हम हस्बैंड से मांग रहे हैं, फादर से मांग रहे हैं या सन से मांग रहे हैं, राइट? और वहां पे रीजन सिंपल है दैट पर्सन इज निग्लेक्टिंग इन टेकिंग केयर ऑफ योर्स एज वेल एज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, क्लियर? ओके, ये प्रॉपर्टीज होने के बाद एक कंसेप्ट हमारे पास आता है सन्स पायस ऑब्लिगेशन, क्योंकि यहां पे सन आया ना,
तो सन की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपने पिताजी के सारे जितना भी ऋण था उसको चुकता करे। अब सन पायस ऑब्लिगेशन को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि जब तक भैया वो ऋण का भुगतान नहीं करोगे ना, तब तक पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा आपका सन पायस ऑब्लिगेशन बात करता है। ठीक, अब एक कंसेप्ट आता है आपका किसका, मिताक्षरा का कंसेप्ट, नहीं सॉरी, आपके पास आता है कंसेप्ट कर्ता का। किसका कंसेप्ट आता है, कर्ता का। हमें पता है कि जब भी हम एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं वहां पे एक कर्ता होता है। मैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात कर रही, मैं कोपार्सनरी की बात नहीं कर रही। मिताक्षरा कोपार्सनरी कैसे आपकी जो है इफेक्ट में आती है, बाय द बर्थ ऑफ अ कोपार्सनर। पहले बोलते थे बाय अ बर्थ ऑफ सन हु इज अ कोपार्सनर, बट नाउ मियरली अ सन इज नॉट अ कोपार्सनर, इवन अ फीमेल इज अ कोपार्सनर, क्योंकि अब हमने डॉटर्स को भी राइट दे दिया है। और विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा का केस ये कहता है दैट डॉटर्स आर कोपार्सनर्स बाय बर्थ। कोपार्सनर्स होते हैं वो बर्थ से। पहले हम लोग मिताक्षरा कोपार्सनरी में हमेशा और हमेशा फीमेल को एक्सक्लूड करते थे, बट अब जो है फीमेल्स इंक्लूड होने लग गई है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू कर्ता। कर्ता एग्जैक्टली होता कौन है? कर्ता कोई भी नहीं, बट आपके फैमिली का एक मैनेजर होता है। एक इतनी बड़ी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? रिप्रेजेंट करना, या फिर मैं कहूं उनका मैनेजर कौन होता है आपका, एक कर्ता होता है। इस कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी प्रॉपर्टी की देखरेख करे, बिजनेस को देखे, कोई भी अगर सूट फाइल किया गया है तो उसमें रिप्रेजेंट करे, या फिर किसी भी तरह का आर्बिट्रेशन है, कंसीलमेंट है, सॉरी कंसीलिएशन है, या फिर सेटलमेंट है, वहां पे सीधा सीधा आपका कर्ता क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कर्ता अपनी एक यूनिक पोजिशन तो होल्ड करता ही करता है, साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, उसने साउंड माइंड का होना चाहिए। ही शुड हैव टेकन बर्थ इन कोपार्सनरी फैमिली, अलोंग विद दैट ही शुड बी द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है तो ही वो कर्ता बोला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जूनियर नहीं बन सकता, लेकिन इस सीनियर की डेथ पर ही जूनियर बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या फीमेल कर्ता नहीं बन सकती है? फीमेल कर्ता नहीं बन सकती है क्या? फीमेल कर्ता बन सकती है ओनली व्हेन नो मेल इज देयर। कोई मेल नहीं है, या आपकी फैमिली का नेचर ऐसा है, या बिजनेस का ट्रांजैक्शन ऐसा है, या फिर चीजें कुछ ऐसी है कि जो डिमांड करता है कि भैया अब फीमेल को क्या करना चाहिए, कर्ता बन जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए घर में मेल तो है, घर में मेल तो है, लेकिन मेल फैमिली मेल मेंबर जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे फैमिली प्रॉपर्टीज को या फैमिली अरेंजमेंट्स को मैनेज करने के लिए। क्लियर है, ओके? ये और क्या करता है, सूट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी प्रकार का बिजनेस है, इनकम है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका ध्यान रखना। लेकिन कर्ता को एक और राइट मिलता है। इस राइट से रिलेटेड आपको सीधा सीधा सवाल आ सकता है। कर्ता का एक राइट है, दैट इज राइट टू एलिनेट प्रॉपर्टी। कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, हालांकि जनरल रूल कहता है वो कभी भी एलिनेट नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में वो एलिनेट कर सकता है व्हेन देयर इज अ लीगल नेसेसिटी और व्हेन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट ऑफ अ कोपार्सनरी। हमारी कोपार्सनरी फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए, फायदे के लिए यहां पे वो एलिनेट कर सकता है। बिल्कुल भूमिका जी, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। ठीक है, अमेंडमेंट की आवश्यकता है, ओके? तो यहां पे बोला वो एलिनेट कर सकता है। और कभी भी उसको प्रॉपर्टी एलिनेट करनी है ना, जनरली उसको सबकी कंसेंट चाहिए। किसकी कंसेंट चाहिए? कंसेंट ऑफ कोपार्सनर्स इज रिक्वायर्ड। अगर उसने कोपार्सनर्स की कंसेंट नहीं ली, कोपार्सनर जाके उसको चैलेंज कर सकता है। कोपार्सनर क्या कर सकता है? उसको जाके चैलेंज कर सकता है। क्लियर है कर्ता का कंसेप्ट? तो आगे चलेंगे जहां पे अब हम डील करेंगे दो पॉइंट, एक है सर्वाइवरशिप और दूसरा है सक्सेशन।
क्या डील करने वाले हैं, सर्वाइवर से और सक्सेशन, क्योंकि ये दो वर्ड्स अब हमको पता है कि भैया अब सर्वाइवरशिप का जो है कंसेप्ट है नहीं। अब कौन सा कंसेप्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे, अब हमारे भारत में कंसेप्ट चलता है दैट इज ऑफ योर सर्वाइवरशिप नहीं सक्सेशन। दो कंसेप्ट है, एक है हमारा, ठीक है, और दूसरा है हमारा सक्सेशन का कंसेप्ट। सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट कब था? सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था बिफोर 2005। कैसा था? बिफोर 2005। सक्सेशन का कंसेप्ट कैसा था? इट वॉज योर आफ्टर 2005। अब बोल दिया है हम प्रॉपर्टी का सक्सेशन करेंगे, सर्वाइवरशिप नहीं। तो मैम सर्वाइवरशिप कैसे होता है? सर्वाइवरशिप फॉर एग्जाम्पल, ये फादर है, ठीक है, ये फादर है, अब इनके तीन बेटे एस एस एज वेल एज एस, इस एस के आगे दो बेटे हो गए, कितने हो गए? इस एस के आगे और दो बेटे हैं, इस एस का एक बेटा और इस एस के भी दो बेटे। अब सर्वाइवरशिप रूल से हम सबको बराबर प्रॉपर्टी देने वाले हैं, तो यहां पे कितने लोग हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे 8 बेटे हैं, आठों के आठों के बीच में हम बराबर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8। क्लियर? ये होता है सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स के सबके बीच में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन सक्सेशन में क्या होता है? ये फादर थे, इनके दो सन थे, अब इस सन का भी दो सन और इस सन का मान लो एक सन। तो अगर हम यहां पे सर्वाइवरशिप रूल अपनाएंगे तब तो हम सबको कितना दे देंगे? 1/5 1/5 1/5। क्लियर? लेकिन यहां पे हमको सक्सेशन का रूल अपनाना है, मतलब फादर की प्रॉपर्टी का पहले 1/2 होगा, इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी। भैया अभी तुम लोग रुक जाओ ना, तुमको दादाजी की प्रॉपर्टी में से नहीं मिलेगा, तुमको यहां पे सन की प्रॉपर्टी में से मिलने वाला है, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में से मिलेगा। इस 1/2 को इन दो में डिवाइड करेंगे तब होगा 1/4 1/4, और इसको 1/2 एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि इसका हिस्सा नहीं होगा और कोई भाई नहीं है यहां पे इसलिए, ठीक है, ओके। जेनेटिक्स वाला डायग्राम लग रहा है, ओके, जो साइंस में पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, प्रोजेनीज वगैरह वाला है ना। चलिए, ठीक, क्लियर है? तो ये है आपका सर्वाइवरशिप एज वेल एज सक्सेशन का रूल। अब देखो, अब हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है वो सीधी सीधी हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ जाएंगे, जो कि डील करता है हमारे सेक्शन 6 से। किससे डील करता है? हमारे सेक्शन 6 से डील करता है। अब देखो, अगर हम सेक्शन 6 पे चलें तो उससे पहले जरूरी है हम एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बारे में समझें। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो आपका सेक्शन रहता है 3, कौन सा सेक्शन रहता है? सेक्शन 3 का ए बताता है कि भैया एग्नेट्स कौन है, सी बताता है कि भैया कॉग्नेट्स कौन है। एग्नेट्स वो लोग हैं जिनके बीच रिलेशन है आइदर बाय द ब्लड और अडॉप्शन, लेकिन कंप्लीटली थ्रू मेल है, उनके बीच में और कोई आई ही नहीं रहा है, कंप्लीटली कैसे है? मेल के थ्रू है। और कॉग्नेट्स क्या है? कंप्लीटली थ्रू मेल नहीं है, मतलब कि बीच में एक फीमेल आ जाती है, बीच में एक फीमेल आ जाती है उनके रिलेशनशिप में, इसलिए वो क्या हो जाते हैं यहां पे? कॉग्नेट्स हो जाते हैं। और फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन, इन सब का कंसेप्ट तो हमें यहां पे समझना ही समझना है। अब अगर हम चले सेक्शन 6 पर, किस पे चलेंगे? हम चलेंगे सेक्शन 6 की कहानी पर, जो कि हमें लंबी चौड़ी यहां पे कहानी दे रखी है। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 ये कहता है डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 कहता है डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी कौन सी? मिताक्षरा कोपार्सनरी की प्रॉपर्टी जो है उसका हम यहां पे डेवोल्यूशन कैसे करने वाले हैं। डेवोल्यूशन होता किस चीज का है? डेवोल्यूशन हमेशा और हमेशा आपके इंटरेस्ट का होता है। तो 2005 के अमेंडमेंट के बाद इनका क्लॉज 1 ये कहता है कि भैया जो फीमेल है ना, फीमेल भी बाय बर्थ क्या है? फीमेल भी बाय बर्थ हमारे यहां पे को पार्टनर है, उसको भी अधिकार दो।
सेकंड बोला उसके पास सेम राइट्स होंगे जो कि उसके पास होते यदि वो सन होती तो, सेम उसके ऊपर लाइबिलिटीज भी आएंगी जो कि उसके ऊपर आती यदि वो सन होती तो, या फिर उसके भाई के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज है वो पे यहां पे एक डॉटर के ऊपर भी आने वाली है। क्लियर है, ये चीज आपका सेक्शन 6 कहता है। लेकिन सेक्शन 6 का जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 में इन्होंने ये बोला, सब सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि जो फीमेल है उसके पास अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी भी तरह से एलियनेट कर सकती है। शी इज द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर उसको सब सेक्शन 1 में प्रॉपर्टी मिलती है, शी बिकम्स द सोल ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी। हालांकि यहां पे सेक्शन 14 और सेक्शन 15 को लिंक करना चाहिए जो कि फीमेल की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि फीमेल की प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होने वाली है, क्या वहां पे हमारे स्लैब्स रहने वाले हैं, या किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर एंड एटसेट्रा। जब आप सब सेक्शन 3 में जाओगे, सब सेक्शन 3 में इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी सन है, पहली बात तो सन पे जाएगी, डॉटर पे जाएगी, सन और डॉटर नहीं है तो फिर उस प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर के सन और डॉटर को हम लोग यहां पे प्रॉपर्टी देने वाले हैं। ठीक ठीक है, देंगे। लेकिन क्लॉज 3 आपको बताता है नोशनल पार्टीशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? नोशनल पार्टीशन के बारे में। जब भी क्लॉज 3 के अंदर एक हिंदू की डेथ हुई, या फिर जो हिंदू है वो इंटेस्टेड गए, इंटेस्टेड मतलब क्या, इंटेस्टेड मतलब ही डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, नाउ हिज प्रॉपर्टी इज एज इट इज, और अब उसकी प्रॉपर्टी का हमें पार्टीशन करना है, या प्रॉपर्टी क्या करनी है, सक्सीड करवानी है नेक्स्ट जनरेशन में, तो ठीक उस प्रकार से होगी एज इफ उसका शेयर हमने उसको दिया है, उसको जिंदा करके उसका शेयर उसको देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में उसका शेयर वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये फादर थे, इन फादर का एक सन, ये एक और सन, और एक ये डॉटर। क्लियर। अब फादर की प्रॉपर्टी थी, फादर की डेथ हो चुकी है, इस फादर की प्रॉपर्टी हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेंगे एज इफ कि यहां पर पार्टीशन हुआ है। जब सक्सेशन होगा तो हमको ऐसे देखना है जैसे कि पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन भी कब, जैसे कि आपके फादर साहब अलाइव थे। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हमें पार्टीशन करना है, एक प्रॉपर्टी का, तो चार लोग हैं, इनको मिलेगा 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। हालांकि अल्टीमेटली सबको मिलेगा एक ही, सबका कैलकुलेशन। अब यहां पे अगर फादर को आप नोशनल शेयर नहीं देते तो सबको 1/3, 1/3, 1/3 मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम नोशनल शेयर भी 1/4 दे रहे हैं इनको, और उसके बाद इस 1/4, अब मैम ये 1/4 किधर जाएगा, अब ये 1/4 इन तीनों में डिवाइड होगा, तो 1/4 को जब तीनों में डिवाइड करेंगे, इट विल बी +1/12, +1/12, +1/12, और फाइनल इनका शेयर कितना निकल के आएगा, फाइनल इनका शेयर निकल के आएगा 1/3, 1/3 as well as 1/3। मैम ये तो तब भी होता जब हम फादर को नहीं देते, डेफिनेटली होता, बट वी नीड टू मेक श्योर कि इनको भी एक नोशनल पार्टीशन जरूर दिया जाए, क्योंकि 2005 का अमेंडमेंट का रीजन ही यही है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया हमको पार्टी को, सॉरी, हमें सक्सेशन कैसे करना है, हमको यहाँ पे सर्वाइवरशिप रूल नहीं अपनाना है, हमको यहाँ पे सक्सेशन रूल जो है वो अपनाना है। क्लियर। तो जब भी आप सक्सेशन करोगे, मेक श्योर पहले यहाँ पे एक क्या करने वाले हो, नोशनल पार्टीशन करोगे, ऐसे पार्टीशन करना है जैसे कि ये जिंदा है, तो फादर को पहले जिंदा करो, उसके बाद यहां पे हम इस प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्लियर है। जब 2005 का ये अमेंडमेंट आ गया जिसने ये बोला कि जो वाइफ होती, सॉरी, जो डॉटर है उस डॉटर को हम क्या दे रहे हैं यहां पर, प्रॉपर्टी में राइट दे रहे हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक डॉटर को मिल गया। तो सवाल ये उठा कि जब हम 2005 का ये अमेंडमेंट है, कब लागू हुआ था, 9/9/2005, तो ये जब अमेंडमेंट हुआ तो क्या इस दिन के बाद अगर प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है या पार्टीशन हो रहा है, तो क्या उसके उस वक्त यहां पे एक आपके फादर है उनका जिंदा होना जरूरी है या नहीं। Question arose whether on this date or after this date when the partition or succession is taking place, क्या यहाँ पे फादर का अलाइव होना जरूरी है या नहीं है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने आया था केस, प्रकाश वर्सेस फूलवती का केस। किसका केस आया? प्रकाश वर्सेस फूलवती का ये केस था। अब ये केस आपके कितने बेंच द्वारा हुआ था? ये केस आपके दो जजेस बेंच के द्वारा हुआ था, ठीक है। 2016 का केस है, टू जजेस बेंच ने इसका निर्णय लिया। इन्होंने बोला हां जी यस, फादर को यहां पे 9/9/2005 तक अलाइव होना जरूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक लिविंग कोपार्टनर की ही लिविंग कोपार्टनरी डॉटर हो सकती है। जब एक कोपार्टनर ही जीवित नहीं है तो उसकी डॉटर को भी हम लिविंग कोपार्टनरी नहीं बोलेंगे और उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं देने वाले हैं, राइट। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भैया फादर को ना 2005 के बाद जिंदा होना मांगता है। अब वॉट इफ फादर की डेथ 2001 में हो गई, हम पार्टीशन या सक्सेशन 2005 में कर रहे हैं, तो अब डॉटर को आप बोल रहे हो नहीं नहीं पिताजी तो 2001 में चले गए, तुमको अभी राइट नहीं मिलेगा। तो फिर इस 2005 के अमेंडमेंट का मतलब क्या? क्या मतलब? दिस वॉज डिसाइडेड बाई टू जजेस बेंच। सो इस केस को वापस चैलेंज किया गया किसके केस में? दानम्मा वर्सेस अमर के केस में। दानम्मा वर्सेस अमर, दैट इज 2018 के केस में इसको चैलेंज किया गया और यह भी सुना गया था दो जजेस बेंच द्वारा। इन्होंने यहां बोला है दैट नॉट नेसेसरी। हां जी विकास जी, लगभग मान के चलिए ढाई तो बच जाएगी, ओके आधे घंटे और चलेगी, ठीक है। दानम्मा वर्सेस अमर के केस में क्या बोला? दैट नो नॉट रिक्वायर्ड, किस चीज की आवश्यकता नहीं है? दैट फादर शुड बी अलाइव ऑन 9/9/2005। उससे पहले डेथ हो गई ना फादर साहब की, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डॉटर एंटाइटल्ड है, अभी भी डॉटर एंटाइटल्ड है। 9/9/2005 से अगर पहले भी पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, इस ग्राउंड पे हम डॉटर को डिस एंटाइटल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, किसी को भूख प्यास कुछ लगी है तो जाके खा के आइए, है ना। क्लास चलती रहेगी आराम से, बस देखना है रिवीजन चल रहा है अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट केस। अब देखो, क्योंकि ये भी दो जजेस बेंच द्वारा सुना गया, ये भी दो जजेस बेंच द्वारा सुना गया, तो कंफ्यूजन था भैया किसको फॉलो करें। इसलिए एक थ्री जजेस बेंच का केस आया, विच वॉज विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का यह केस था। इस केस में कौन सा केस था? यह 2020 का केस था एंड दिस केस वॉज हर्ड बाय थ्री जजेस बेंच, तीन जजेस की बेंच द्वारा यह सुना गया। तब यहां पे यह बोला गया दैट अ डॉटर इज को पार्टनर बाय बर्थ। कोई फर्क नहीं पड़ता whether father is alive on 2005 or not, but daughter is co-partner by birth. जब से वो पैदा हुई है तब से वो co-partner है, तो 2005 से पहले, that is 20 December 2004 से पहले कोई भी partition हुआ है उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। ये नया अमेंडमेंट 2005 वाला अमेंडमेंट 20 दिसंबर 2004 से पहले हुए पार्टीशन सक्सेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है। तो यहां पे विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में ये बोला है दैट डॉटर इज दी कोपार्टनरी बाय बर्थ। बाय बर्थ वो कौन होती है? यहां पे कोपार्टनर होती है, क्लियर है। चले आगे। हां जी, अब हम देखो सेक्शन 6 हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक। सेक्शन 6 को अब हम देखो, सुनिए, यही तो प्रॉब्लम हुआ है यहां पे। ये दो जजेस बेंच द्वारा दिया गया, इसमें भी फिर कॉन्ट्ररी चीज 2018 में एक दो जजेस बेंच ने बोला। हालांकि देखो, अगर मुझे शायद ये बोलना चाहिए था, इसको चैलेंज ना करके इन्होंने अपना अलग से निर्णय निकाल दिया। इन्होंने जब अपना अलग से निर्णय निकाल दिया तो फाइनली इस जजमेंट में थ्री जजेस बेंच, अब ऑब्वियसली बात है जो बड़ी बेंच है उसका डिसीजन क्या होने वाला है, यहां पे प्रिवेल करने वाला है। जिस बेंच का नंबर ज्यादा है वो यहां पे प्रिवेल करेगी, ठीक है, ओके। अब सुनेंगे, हालांकि आपको यही क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, बिल्कुल प्रिंस जी हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमली यहां पे लैंडमार्क है उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, चाहे अगर हम क्रुएलिटी की बात करें, है ना, क्रुएलिटी की बात करें, जहां पे आपको दास्ताने वर्सेस दास्ताने, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बिना वो सेक्शन का एक्सप्लेनेशन ही अधूरा है, जिसमें जो आपका टॉपिक है वो केस के बिना ही अधूरा है। मान लीजिए बेलफर वर्सेस बेलफर हो गया है,
मोरी बीवी का केस हो गया है, या फिर आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के जो केसेस है, तो उन केसेस को आप, हालांकि आपके पास केसेस बहुत रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमें सेक्शन 8 डील करना है। सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 को अच्छे से डील करेंगे। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 ये कह रहा है कि आपका ऑर्डर क्या रहने वाला है, किस चीज का ऑर्डर क्या रहने वाला है। इन्होंने सेक्शन 8 से लेके 13 तक बताया कि मेल के केस में सक्सेशन कैसे होगा, और फिर सेक्शन 14 से लेके हम लोग 15-16 में देखेंगे कि फीमेल के केस में एक सक्सेशन जो है प्रॉपर्टी का कैसे होगा। तो 8 में इन्होंने बोला कि आपका जनरल रूल बताया, जनरल रूल। तो इन्होंने बोला सबसे पहले सक्सेशन क्लास 1 हेयर में होगा, उसके बाद होगा क्लास 2 हेयर में, देन हम लोग जाएंगे एग्नेट्स में, फिर हम लोग जाएंगे कॉग्नेट्स में। ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है। सेक्शन 8 ने ये बताया क्लास 1 को हम पहले प्रेफर करेंगे, उसके बाद क्लास 2 को प्रेफर करेंगे, फिर फाइनली क्लास 3 को प्रिपेयर करने वाले हैं, सॉरी प्रेफर करने वाले। जनरल रूल के बाद अब एक एक क्लास में इन्होंने ऑर्डर बताया है। क्या बताया है? ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जब आपकी क्लास 1 है ना, तो उसमें एंट्री 1 को पहले प्रेफरेंस दो, एंट्री 1 को पहले प्रेफरेंस दो, फिर एंट्री 2 को प्रेफरेंस दीजिए, फिर क्या करोगे, एंट्री 2 को प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद एंट्री 3 को प्रेफरेंस दोगे। मतलब जब तक आगे आपकी एंट्रीज खत्म नहीं होती उस ऑर्डर में चलना है, और एंट्री 1 में जितने भी लोग हैं वो साइमल्टेनियसली बराबर एक एक शेयर लेंगे। एंट्री 1 में क्लास 1 हेयर में कौन है? मदर है, विडो है, सन है, डॉटर है। बोलोगे मैम फादर किधर गया? अरे बाबा, हम लोग यहाँ पे मेल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? मेल सक्सेशन का बात कर रहे हैं। दिस इज द रीजन यहाँ पे मदर, विडो, सन एंड डॉटर को इक्वली लेंगे एंट्री 1 में। अब अगर दोष सन भी हो गए तो भी भैया आप तो बराबर लेने वाले हो, तो भी आप यहाँ पे बराबर लेने वाले हो। ये सेक्शन 9 ने आपको ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। सेक्शन 10 बता रहा है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हमारा सेक्शन 10 और 11 बात करेगा। सेक्शन 10 ने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे रूल्स के बारे में बात की गई है। क्लियर? सेक्शन 10 मेंशंस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपको क्या बता रहा है, सेक्शन 10। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इन्होंने क्लास 1 हेयर के बारे में बताया। तो मैम क्लास 2 के बारे में कौन बताता है? क्लास 2 के बारे में आपका सेक्शन 11 बताता है ना, क्लास 2 के बारे में हमारा सेक्शन 11 बताता है। तो सेक्शन 10 में आपको कुछ रूल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रूल्स दे रखे हैं। चार रूल हैं, उसमें से हमारा पहला रूल हमें यह कहता है कि अगर एक विडो है, अगर एक विडो है या फिर मोर देन वन विडो, तो अगर एक विडो है तब तो हम इसको एक शेयर दे देंगे, और अगर एक से ज्यादा विडो है, कोई आदमी की 2-3-4 पत्नियां हो सकती है, तो 2-3-4 पत्नियां है ना, तो उसकी मौत के बाद वो सब विडो है, तो उन सब को एक ही शेयर जाएगा, ओनली वन शेयर, वन शेयर ईच नहीं जाएगा, वन शेयर इन कॉमन जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमको क्या बोला? अब इस विडो के बाद में जो हमारा सेकंड रूल आता है वो कहता है कि इन केस हमारा सन है, डॉटर है या विडो है, ये सर्वाइव कर रहे हैं उस डिसीज्ड पर्सन को, ठीक है, सॉरी विडो के बारे में बात कर चुके, यहां पे आएगी आपकी मदर। ठीक है, आपकी मदर है, यहां पे विडो को एक हिस्सा दे दिया हमने, बहुत सारी विडोज है तो उन सबको एक हिस्सा देंगे। अगर सन रह गया पीछे, डॉटर रह गई और मदर रह गई, तो वन शेयर ईच, सबको एक 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 हिस्सा मिलेगा। ये प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी के तीन हिस्से करेंगे, 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर है? रूल 3 इन्होंने क्या बोला? रूल 3 अब ये बोल रहे हैं, दैट इज हेयर्स ऑफ प्री डिसीज सन एंड प्री डिसीज डॉटर। हेयर्स किसके? हेयर्स हैं आपके प्री डिसीज सन एंड प्री डिसीज डॉटर। अगर इस सन के मान लो दो सन है, एक डॉटर है, इस डॉटर का भी एक दो सन है और एक डॉटर,
तो भैया इन सबको वही शेयर मिलेगा जो कि हमारे प्री डिसीज्ड सन को मिल रहा था। इन सबको उतना ही शेयर मिलेगा ना जितना बेटों को। ऐसा थोड़ी है चार पोते तो चार से अलग 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 शेयर दोगे, नहीं, तुमको वही शेयर मिलेगा जो कि तुम्हारे पिताजी को मिल रहा था। अब उसको तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो इक्वली। ओके, सो दे विल टेक वन शेयर बिटवीन देम, दे विल टेक वन शेयर बिटवीन देम एंड सेम गोज विद प्री डिसीज्ड डॉटर। पुत्री की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद दोहिता दोहिती आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपकी माता जी को, जितना कि हमारी बेटी को मिला। सो टेक वन शेयर बिटवीन ऑल ऑफ यू। और रूल फोर क्या बोलता है? रूल फोर ये बोल रहा है कि अगर हमारा प्री डिसीज सन है और इन सबके सन और डॉटर हैं तो दे विल टेक दिस वन शेयर इक्वली, इक्वल पोर्शन में अपने इस प्री डिसीज सन का शेयर जो है वो डिवाइड कर लो। वो आपको क्या करना है, यहां पर डिवाइड करना है। क्लियर है? नाउ वी विल कम टू सेक्शन 11। और सेक्शन 11 ने बोल दिया है क्लास 2 में आप कैसे डिवाइड करोगे। तो क्लास 2 में बोला अगर एंट्री 1 में चार लोग हैं, चारों इक्वल लेके जाएंगे ईच शेयर। ठीक है, अगर आपका एंट्री 2 है तो एंट्री 2 में जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे इक्वल प्रॉपर्टी लेके जाएंगे। तो क्लास 1 और क्लास 2 हेयर को एक बार अच्छे से देखेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 हेयर में आते कौन कौन है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ चार्ट बिफोर यू जिसमें आपको देखना है कि कौन कौन से आपके यहां पे सामने वो पर्सन आते हैं। ये चार्ट है हमारे पास जो कि डिस्कस करता है क्लास 1 हेयर के बारे में। किसके बारे में बताता है? क्लास 1 हेयर के बारे में बताता है। ये जो दो, जो आपकी दो एंट्रीज हैं जिसमें मैं बोलूं कि चार लोग हैं, ये सब 2005 से ऐड हुए हैं। किससे ऐड हुए हैं? 2005 से। मुश्किल है समझना मैम? काफी मुश्किल है। ठीक है, क्लास 2 हेयर को देखते हैं। ये सारी एंट्रीज कौन सी वाली? ये सारी एंट्रीज यहां से निकल चुकी है, 2005 में आ गई। मैम ये भी समझना मुश्किल है, ये भी समझना मुश्किल है, कोई बात नहीं, आपके लिए एक इजी चार्ट। ठीक है, ये क्लास 1 हेयर है। अब ये आई होप आपके लिए समझना थोड़ा इजी रहने वाला है। ठीक है, क्या हो गया प्रशस्ति जी? कौन? राइट, हाँ, सिर्फ 30 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक बार अपने बेरेक्ट से क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे इफ वी वांट कि कोई क्लास हमने मिस तो नहीं कर दी है, या ये एग्जैक्टली किसको कहना चाहते हैं, किसके बारे में यहां पे हमें रेफर करने के बारे में बोल रहे थे। हालांकि ये चार्ट जो है पूरा अपडेटेड चार्ट से मैंने बनाया है, और अगर ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं ताकि आपको ये चार्ट इजी रहेगा याद करने में। ऐसे तो आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे प्री डिसीज सन का क्या क्या क्या। ठीक है, चलिए तो यहां पे आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। यस, चलिए अब देखो ये पर्सन की डेथ हो गई, ये पर्सन डाई हो गया, इस पर्सन की मृत्यु हो गई। फर्स्ट क्लास में हमको किसने किसने दे रखा है? इस डिसीज्ड की मदर, इस डिसीज्ड की विडो। क्लियर है? कौन है? इस डिसीज्ड का सन आ गया, इस डिसीज्ड की डॉटर आ गई, इस डिसीज्ड की विडो आ गई है, इस डिसीज्ड की मदर आ गई है। क्लियर? और ये विडो कौन है? इन दोनों की मां है। क्लियर? ये हो जाती है हमकी हमारी क्लास 1 की फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हमको दिया है सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन, देन सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर। मतलब ये बेटा, ये कौन हो गया? पोता पोती। ये कौन हो गई? बेटी दोहिता दोहिती। क्लियर? तो सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर एंड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर, साथ ही साथ बोला है विडो ऑफ प्री डिसीज्ड सन। तो इस सन की प्री डिसीज्ड कौन हो गई है? विडो। सॉरी, यहां पर भी एक विडो आने वाली है। ठीक, ये वाली कैटेगरी। ओके, नाउ फिर आता है सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, फिर है हमारी डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन। अब ध्यान रखना, ये जो चार कैटेगरीज हमने डाली है ये पहले कौन सी क्लास में थी? क्लास 2 में थी। ये सब हमारे क्लास 2 में थी, अब ये सब किस में आ गई है? क्लास 1 में आ गई है। तो मतलब कि यहां पर हम पोती की बेटी को भी शेयर दे रहे हैं,
यहां पर हम दोहिते की बेटी को भी शेयर दे रहे हैं, यहां पर हम दोहिते के बेटे एज वेल एज बेटी दोनों को शेयर दे रहे हैं। क्लियर है समझने में? कोई दिक्कत तो नहीं? यस yes. तो यहां पे एक सन एक डॉटर लीजिए, फिर उन दोनों के सन डॉटर हैं, इसके भी सन और डॉटर हैं, इसके भी सन और डॉटर हैं, बस इस सन की डॉटर और इस डॉटर की डॉटर ही यहां पे है। ये चार्ट आपको काफी काम आने वाला है अगर आपको सीधा सीधा हेयर्स के बारे में पूछ लिया तो। हालांकि हाँ देखो, इस डॉटर की, और ये डॉटर किसकी है? सन की डॉटर है ना, ये सन की डॉटर है, इसलिए पहले ये फिर भी क्लास टू में थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम इस डॉटर की सिर्फ डॉटर को इंक्लूड किया तो इस डॉटर का सन किधर? इस डॉटर का सन क्लास टू में, ठीक है? इस डॉटर का सन कहां है? क्लास टू में है, दैट इज सन्स डॉटर्स सन, ठीक? ये एक लाइन है। और फिर इस डॉटर का सन की सिर्फ डॉटर इंक्लूड हो रही है तो मैम सन किधर गया? सन ये भी क्लास टू में गया, दैट इज योर डॉटर्स सन्स सन। देखें क्या ये क्लास टू में है क्या? सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स सन, डॉटर्स सन्स सन, डॉटर्स सन्स सन। तो ये जो है, ये जहां पे क्लास वन हेयर में मिसिंग थे ये यहां पे आए हैं। इनकी बहनों को, इनकी बहनों को तो क्लास वन में डाला लेकिन इनको क्लास टू में फेंक दिया, ठीक है? क्लियर है? तो ये चार्ट आप जरूर बनाएं, ये क्लास वन हेयर है। अब क्लास टू हेयर में कौन कौन आते हैं? क्लास टू हेयर में ये सब लोग आते हैं एक्सेप्ट मदर। तो मैम मदर क्यों लिखा? अरे भैया अगर मैं मदर नहीं लिखूंगी तो आपको समझ आएगा क्या ये किसका ब्रदर है, किसकी सिस्टर है, किसका फादर है, किसकी मदर? इसलिए ये मदर क्लास वन की है, लेकिन इस वर्ड को मुझे यहां मेंशन करना पड़ा ये दिखाने के लिए कि मदर के ये सारे रिलेटिव क्लास टू हेयर में आते हैं। क्लियर? तो जब एक डिसीज्ड की डेथ हुई तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले जाती है फादर को। ब्रदर्स सिस्टर्स बाद में आते हैं, ब्रदर सिस्टर्स की इनकी क्या है, इनकी अलग एंट्रीज है। तो इस डिसीज्ड पर्सन के सबसे पहले फादर को जाएगी। किसको जाएगी? फादर को जाएगी। फिर आप देखो ब्रदर है, सिस्टर है, फिर यहां पे सन्स डॉटर सन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और मदर की मदर, नाना नानी, या फिर मदर के सिस्टर और ब्रदर, मतलब कि नाना नानी मासी मामा, इनको भी जाती है सेकेंड क्लास में, ठीक है? यहां पर देखो डिसीज्ड है, डिसीज्ड के फादर अगर नहीं और उनमें से कुछ क्लासेस मेंशन नहीं तो फिर डिसीज्ड की मदर को भी जा सकती है। मतलब दादी को कब जाएगी, दादाजी को कब जाएगी, पिताजी की बहन दैट इज बुआ को कब जाएगी, और पिताजी के भाई चाचा जी या ताया जी को कब जाने वाली है। क्लियर है? यहां पे हमने एक वर्ड मेंशन किया, फादर्स विडो। कभी भी इस फादर्स विडो को आप इस पर्सन की मदर नहीं समझोगे, क्योंकि फादर्स मदर तो हम क्लास वन में करके आ चुके हैं। ये वाली जो फादर की विडो है ना, दिस इज योर स्टेप मदर। वर्ड इन्होंने स्टेप मदर यूज नहीं किया है, दे हैव मियरली रिटन फादर्स विडो। तो फादर्स विडो का यही मतलब है, दैट इज स्टेप मदर ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि इसकी मदर तो आ गई ना क्लास वन में, क्लास वन एंट्री वन में हम उसको वहां रख के आए हैं, ओके? फिर अगर फादर की, सॉरी डिसीज्ड पर्सन का कोई ब्रदर है, अगर ब्रदर नहीं है तो फिर ब्रदर की वाइफ को, भाभी को जाएगा, भतीजी या भतीजे को जा सकता है। अगर सिस्टर है तो सिस्टर को जाएगी, सिस्टर नहीं है तो फिर सिस्टर के बेटा बेटी को जाएगी, दैट इज भांजा भांजी को यहां पे जाने वाली है। क्लियर? समझ आया? ये चार्ट अगर समझ आया है और अच्छा लगा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इतनी लंबी चौड़ी शायद टेबल आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, आप इसका क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, चलिए। यस, वाइफ अदर देन मदर का मतलब ही यहां पे होता है स्टेप मदर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होने वाली है, ठीक है? ओके, चलिए आगे चलेंगे। अब देखो हम मेल में तो डिस्कस कर चुके हैं, बट व्हाट अबाउट फीमेल्स? तो फीमेल में आपको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया। कौन सा सेक्शन दिया? सेक्शन हमको दिया है 14। सेक्शन 14 ये कहता है कि जो फीमेल्स की प्रॉपर्टी है, फीमेल उस प्रॉपर्टी की एक्सक्लूसिव ओनर रहने वाली है। फीमेल अपनी प्रॉपर्टी की एक्सक्लूसिव ओनर रहेगी, एब्सोल्यूट ओनर रहेगी। इफ शी वांट्स शी कैन एलिनेट इट, एंड इफ शी वांट्स शी कैन कीप इट विद हरसेल्फ। उसमें उसका स्त्री धन आएगा, कोई भी गिफ्ट की गई है उसको प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी उसको अपने पिताजी से मिली है, हस्बैंड से मिली है, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर यहां पे रहने वाली
है, क्लियर है। अब सेक्शन 15 और 16 के लिए आपको एक चार्ट दे रखा है। सेक्शन 15 और 16 बात किसकी करते हैं, सेक्शन 15 बता रहा है कि भैया किस तरीके से हम यहां पे किस तरीके से हम प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेंगे एक फीमेल में। सेक्शन 15 ने आपको बताया जनरल रूल, क्या बताया, जनरल रूल एज टू द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ फीमेल। तो यहां इन्होंने 15 में ये बोला कि अगर फीमेल की प्रॉपर्टी है सबसे पहले उसके सन डॉटर को जाएगी, माताजी की प्रॉपर्टी है ना तो भाई बहन और उसके पति को जाएगी, अगर बेटा बेटी नहीं तो देयर प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, सिर्फ इतना ही, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्लियर है, सिर्फ इतना ही, उससे ज्यादा यहां पे नहीं जाएगा। अगर ये फर्स्ट एंट्री नहीं तो सेकेंड एंट्री, दैट इज हस्बैंड्स हेयर, पतिदेव के जो भी लीगल हेयर्स हैं वहां पे उनको चली जाएगी, अगर फर्स्ट एंट्री नहीं तो। सेकेंड एंट्री भी नहीं तो फिर मदर और फादर को जाएगी, खुद के मां बाप को, मायके में जाएगी। अगर थर्ड एंट्री भी नहीं है तो फोर्थ एंट्री में जाएगी, दैट इज योर फादर्स हेयर, पिताजी के हेयर्स पे जाएगी, अगर वो भी नहीं तो फिर एट द एंड मदर्स के हेयर में जाने वाली है। ये ऑर्डर जरूर ध्यान रखना, सन डॉटर हस्बैंड के पास जाएगी, तीनों ही नहीं है हस्बैंड के हेयर पे जाएगी, हस्बैंड के हेयर नहीं है फादर के, मदर के हेयर पे जाएगी, मदर के हेयर भी नहीं है फादर के हेयर पे जाएगी, ये सभी नहीं है तो फाइनली कहां पे जाने वाली है, पहले मदर फादर को जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो फादर के हेयर्स, फादर के हेयर्स नहीं है तो फिर जाएगी मदर के हेयर्स पे प्रॉपर्टी, ठीक है। बट नाउ वी नीड टू सी कि भैया इन सब में प्रॉपर्टी तो जाएगी लेकिन वो प्रॉपर्टी उसको मिली कहां से है। अगर उसको वो प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है खुद के पेरेंट से, या फिर वो प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की अपने हस्बैंड से, तो फिर प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। तो सबसे पहले बोला है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हर फादर एंड मदर। देखो इसमें सेल्फ एक्वायर्ड भी जाएगी और कोई इनहेरिटेड, इसमें सेल्फ एक्वायर्ड जाएगी लेकिन अगर उन्होंने बोला उसने इस तरीके से इनहेरिट किया, इस तरीके से इनहेरिट किया तो इन्होंने बोला अगर फादर या मदर से मिली, मायके से मिली, पिताजी से या फिर माताजी से शादी के बाद या शादी से भी पहले, कोई सन और डॉटर नहीं है, बच्चे भी नहीं है, फादर के हेयर्स पे प्रॉपर्टी चली जाएगी, पिताजी के हेयर्स पे। अब इसमें फादर के हेयर में भाई भी आ सकते हैं ना, फादर के हेयर में कौन होगा, सन होगा, सन्स सन होगा, सब लोग होंगे, तो जिसको जिसको आपके यहाँ पे सन फादर की प्रॉपर्टी जाएगी ना, जिन जिन हेयर्स को, उन सब में आपके अपनी डॉटर की प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर इस महिला ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की अपने हस्बैंड से या फिर फादर इन लॉ, यस फादर इन लॉ, सेक्शन विच, सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, विडो डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ से मांग सकती है, राइट। तो उस केस में यहां पे प्रॉपर्टी अगर सन और डॉटर नहीं है, उस केस में हेयर किसके हेयर पे चली जाएगी, हस्बैंड के हेयर पे चली जाएगी, किसके हेयर पे चली जाएगी, हस्बैंड के हेयर पे चली जाएगी। प्रॉपर्टी इनहेरिट की है ना, मतलब हस्बैंड नहीं है तो डायरेक्टली सीधा सीधा हस्बैंड के हेयर पे जाएगी, अगर सन और डॉटर है तो सन और डॉटर के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये है आपके सेक्शन 15 के बारे में। 16 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो बोलता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने वो दोनों बात एक साथ बोल दी है जो कि हमारे सेक्शन 9 और 10 में मेल्स में अलग अलग तरीके से बोली, यहां पे सेक्शन 6 में एक ही बार में इन्होंने दोनों चीजें बोल दी। तो उन्होंने बोला है कि भैया एक क्लास में लोगे तो बराबर जाएगी प्रॉपर्टी, और क्लास 1 जो है वो क्लास, सॉरी फर्स्ट एंट्री जो है सेकेंड एंट्री को प्रिसीड करेगी। और सेक्शन 18 जो कि अच्छी और महत्वपूर्ण चीज कहता है, दैट इज योर सेक्शन 18, इन्होंने बोला हमेशा फुल ब्लड को हम प्रिफर करेंगे, क्या करेंगे, फुल ब्लड को प्रिफर करेंगे अपॉन हाफ ब्लड। फुल ब्लड है ना तो फिर हाफ ब्लड को बाद में, हाफ ब्लड को यहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, लंकेश्वर एक बार चेकआउट करके बताओ मुझे, सेशन आई नो काफी लंबा हो गया लेकिन हमने बोला था हिंदू लॉ एक ही सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिनिश ऑफ करने वाले हैं। ओके अच्छा, काफी देर से एक्चुअली कमेंट्स जो है नीचे स्लाइड नहीं हुए हैं, ठीक है, चलिए डिसीज्ड मदर की प्रॉपर्टी ना वैष्णवी जी, सेक्शन 15-16 अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेक्शन 15-16 अप्लाई कर देंगे, ठीक,
ओके क्लियर है सब, लीगल गैलेक्सी सब मक्खन चल रहा है, क्या बात है, सब मक्खन चल रहा है. ओके चलिए तो देखो अब सेक्शन 18 में बोला फ्लोल ब्लड को हम क्या करने वाले हैं, प्रेफरेंस देने वाले हैं अपॉन हूम, अपॉन योर हाफ ब्लड. सेक्शन 19 में बोला मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा जब आपके टू या मोर देन टू हेयर है. सेक्शन 19 में क्या बोला है, मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा, मोड ऑफ सक्सेशन व्हेन देयर आर टू और मोर हेयर. टू और मोर हेयर मतलब कि भैया ये मानिए ये सन है ये डॉटर है, अब ये डॉटर नहीं रही तो इसके सन और डॉटर है, तो हम पर कैपिटा देंगे ना, पर कैपिटा देने वाले, पर स्ट्रिप नहीं देने वाले कि आप एक ही स्ट्रिप में हो तो आपको एक ही शेयर देंगे. नो, हम इकलौते अलग हैं तो एक शेयर मेरे को एक शेयर बहन को, तो वी विल गिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा दैट इज पर हेड एंड नॉट योर पर स्ट्रिप, राइट. उसके बाद अगर हम सेक्शन 20 देखेंगे तो आपको राइट दे रखा है, राइट किस प्रकार का राइट दिया है, एक चाइल्ड इन वूम को, चाइल्ड इन वूम अगर चाहे तो यहां पे उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का अधिकार रखता है, वो चैलेंज भी कर सकता है प्रोवाइडेड कि उसने ये प्रूफ करना चाहिए जो सक्सेशन उसके बर्थ में आने से पहले हुआ हो वो उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है. और सेक्शन 21 में, सेक्शन 21 में हमने एक प्रिजम्पशन ली, उपधारणा ली. प्रिजम्पशन किस मैटर में, जब एक साइमल्टेनियस डेथ हो रही हो, मतलब कि ये यंगर ब्रदर था और ये एल्डर ब्रदर था, छोटे भैया बड़े भैया दोनों की साइमल्टेनियस डेथ हो गई, एक साथ मृत्यु हो गई है, तो यहां पे हम लोग क्या प्रिजम्पशन लेने वाले हैं, यहां हम लोग प्रिजम्पशन लेंगे दैट यंगर ब्रदर सर्वाइव्ड द एल्डर ब्रदर, मतलब कि बड़े भैया की पहले मृत्यु हुई उसके बाद हमारे छोटे भैया की मृत्यु हुई है, मतलब कि यंगर भैया मतलब छोटे भैया ने बड़े भैया को यहां पे सर्वाइव किया है. एंड 22 में आपको एक प्रिफरेंशियल राइट दिया, क्या राइट दिया है, प्रिफरेंशियल राइट, ये आपके राइट ऑफ प्रीएम्पशन की तरह है, किसकी तरह है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन की तरह है, कि अगर अगर मान लीजिए ये दो हेयर थे, दोनों सन, तीन मान लेते हैं, तीन सन थे, ठीक है, पिताजी की मृत्यु के बाद तीनों के पास प्रॉपर्टी गई, तीनों को यहां पे प्रॉपर्टी मिला, ठीक है, अब ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर इट, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई इंटरेस्ट, मैं सेल आउट करना चाहता हूं, तो ये भैया कूद के आएंगे, बोलेंगे राइट ऑफ प्रेफरेंस, मैं आपका हेयर हूं तो पहले मैं अधिकार रखता हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदूं, लू नहीं खरीदूं, तो भैया जो भी आपका कंसिडरेशन है वो बता दो, मैं यहां पे आपको वो कंसिडरेशन देके ले लूंगा. अगर ये नहीं मानते तो दिस ब्रदर हैज राइट टू गो इनटू द कोर्ट. अब देखो जो कंसिडरेशन यहां सन मांग रहा है, ये S1 S2 से अपने भाई से मांग रहा है, वो अगर देता है तब तो मिल जाएगा, और फिर भी कंसिडरेशन को लेके, अमाउंट को लेके कुछ डाउट है या कुछ मतभेद है तो कोर्ट एक रीजनेबल कंसिडरेशन डिसाइड कर लेगा. अब अगर ये दोनों भाई बोलते हैं कि नहीं हम ये प्रॉपर्टी लेंगे, एस भी गया S3 भी गया कि हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो इन दोनों में से जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा उसको यहां पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी. ठीक वैसे ही जैसे राइट ऑफ प्रीएम्पशन में जब हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो पड़ोसी का पहले अधिकार बनता है कि वो क्या कर सकता है, यहां पे इस प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकता है. क्लियर. एंड लास्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज तीन सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन. अभी तक ये तो पढ़ लिया प्रॉपर्टी हमको कब मिल रही है, प्रॉपर्टी हमको कब नहीं मिल रही है, लेकिन क्या हमारे पास यहां पे किसी प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन है क्या. हाँ जी, हमें यहां पे तीन तरह के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है. एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, पर दो जो है बराबर डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं. एक पर्सन डिस्क्वालिफाई कब हो जाएगा, यदि एक पर्सन ने उस पर्सन का मर्डर किया है. सेक्शन 25 डील करता है आपका, यहां पे 25 कहता है कि हम मर्डर को डिस्क्वालिफाई करेंगे. मर्डर किसका, उस पर्सन का जिसकी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करना चाहते थे. पिताजी की प्रॉपर्टी चाहिए, पिताजी को मार दिया आपने, तो भैया आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यू आर डिस्क्वालिफाइड. अब आप क्या हो चुके हो, डिस्क्वालिफाई हो चुके हो. ठीक है, 26 में बोला है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट, जो चाइल्ड था यहां पे उसके अगर
डिसेंडेंट हैं। ये पिताजी थे, पिताजी का ये बेटा था, ये डॉटर थी, इसके दो बेटे। कन्वर्ट कौन हुआ? ये पर्सन कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट्स डिसेंडेंट, तो कन्वर्ट के जो पर्सन कन्वर्ट हुआ है रिलीजन से, उसके बच्चों को यहां नहीं मिलेगी। उसको तो मिलेगी, उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। तो फिर जब इसके बच्चों को नहीं मिलेगी तो इसके मृत्यु उपरांत प्रॉपर्टी किधर जाएगी? आपके उसके नेक्स्ट किन में, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाके उसके भाइयों और बहनों में यहां प्रॉपर्टी जाने वाली है। क्लियर है? 26 के बाद हमारे पास एक और सेक्शन बचता है और यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास है सेक्शन 28, जो कि कहता है अगर आपको किसी भी प्रकार का डिजीज है, डिफेक्ट है, तो यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन, नो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी भी प्रकार का डिजीज है, डिफेक्ट है, इन्फॉर्मिटी इन्फॉर्मिटी है, आप यहां पे डिस्क्वालिफाई नहीं हो जाओगे प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए। और 27 में बोला सक्सेशन इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, सक्सेशन इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये लोग डिस्क्वालिफाई हुए ना, तो हम सक्सेशन कैसे करेंगे? हम ऐसे मानेंगे कि वो सक्सेशन से पहले मर गए थे। क्या बोलेंगे? हम लोग प्रॉपर्टी को इस तरह से सक्सेशन करेंगे एज इफ वो लोग सक्सेशन से पहले मर गए, दे डाइड बिफोर इंटेस्टेड। एंड फाइनली हमारा एक और सेक्शन आता है जो कि है हमारा सेक्शन 29, जो कि कहता है फेलियर ऑफ हेयर। फेलियर ऑफ हेयर का क्या मतलब? जब आपका कोई भी हेयर नहीं है, किसी भी प्रकार का आपकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रीन ऑफ एस्चीट। डॉक्ट्रीन ऑफ एस्चीट है जो कि कहता है अगर कोई हेयर नहीं है ना, आपकी प्रॉपर्टी कहां जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में। किधर जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में जाएगी। दूर दूर तक कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी सीधा और सीधा कहां चली जाएगी? रिलेटिव्स के पास चली जाएगी। तो ये था आज हमारे पास सब कुछ हिंदू लॉ से रिलेटेड। और कोई भी दुख दुविधा, दिक्कत, दस शंका, इशू, प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना फिर फटाफट से आप सब के लिए यहाँ पे ये जरूरी है कि अन अकेडमी में रहोगे तो भैया आप अच्छे लोगों के साथ कॉम्पीट करोगे एंड यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ठीक है? टैलेंट विंस गेम्स बट डेडिकेशन विंस चैंपियनशिप, तो डेडिकेशन दिखाओ। एंड अगर आप प्लस कोर्स को क्या करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो आपने डेफिनेटली यहाँ इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको इन सब एडुकेटर्स की क्या मिल जाएगी, यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, यहां पे इन सब की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी एडुकेटर आपको पसंद है उनमें से किसी भी एडुकेटर की आप यहां पे क्लासेस दे सकते हो। जुडिशियरी लिंकिंग बैच 1 ईयर का रेगुलर ऑलरेडी चल रहा है। साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है या किसी प्रकार का टेस्ट जो है फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए, तो भैया मंडे को आईपीसी, ट्यूसडे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस डॉट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और मिक्स्ड बैंक जो है रेगुलर बेसिस पे चल रही है, आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हो। अगर अन अकेडमी ऐप पे कोर्स परचेज करने का सोच रहे हो तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है इफ यू यूज द कोड शिवानी10। क्या यूज करोगे? शिवानी10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ये सारे कोर्सेज या इनमें से कोई भी कोर्स जो है सब्सक्राइब करने पे 10% ऑफ मिलेगा। साथ में मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ आपको मिलेगी मैम की ब्लेसिंग्स। अलोंग विद दैट ये मंथली 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का स्लैब है, ये आपको EMI पर भी अवेलेबल है। ठीक है? और आपको जो मॉक टेस्ट चल रहा है 2020 एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को आधे घंटे के लिए मॉक टेस्ट रहता है, ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे। आइकॉनिक का फायदा ये है डाउट सॉल्विंग, सॉल्विंग है, मेंटरशिप है, फोकस टेस्ट सीरीज है, प्लस की आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। भले ही आपने आइकॉनिक लिया है तो भी आइकॉनिक में क्या होता है, आपको एक अलग से मेंटर मिलता है हु इज अवेलेबल फॉर यू टू सॉल्व द डाउट। अलॉन्ग विद दैट ये सारे सब्जेक्ट्स की स्पेशल क्लासेस लग रही है। अगर आप अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जहाँ पे रिविजन चलता है, प्लस कंसेप्चुअल स्टडी की क्लैरिटी भी रहती है। आइकॉनिक और प्लस का बेनिफिट ये है यहाँ पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडेंस है, स्टडी प्लानर्स है, वीकली टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और लाइव
स्पेशल क्लास की बेनिफिट ये रहता है दैट लाइव इंटरेक्टिव सेशन रहता है, पोल्स होता है लर्नर्स के लिए, रेज अ हैंड का ऑप्शन होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, अलर्ट होता है ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करो, नोट्स मिलते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और किसी भी डिवाइस से आप क्या कर सकते हो अनअकैडमी ऐप को घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन दिस वीडियो और इन दिस क्लास यू कैन फिल द फॉर्म यूजिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। ओके हां जी, एक ही दिन शादी भी हो गई, डाइवोर्स भी हो गया, अडॉप्शन भी कर लिया, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी हो गया। देखो अभी क्या है, अभी क्या है, अगर हम चाहते तो अलग अलग से सेशन कर लेते, लेकिन पूरा के पूरा जिसको भी हिंदू लॉ देखना है इधर आके एक बार आप सारे सेक्शंस का रिवीजन कर सकते हो, सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। ओके ओके विकास जी, ये शब्दावली जो है वो मुझे काफी पसंद आई। विकास जी, योगता जी, मधु पांडे जी, अमृता कुमारी जी, योगता जी, विकास जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, साथ बनाए रखो। देखो साथ बनाए रखोगे तो हमें मिलेगा सपोर्ट और आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी रहेगी। क्या होता है पता है, कई बार हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद 2 महीने छोड़ देते हैं, जाने दो ना, हमको सब समझ आता है, हमको ना याद है, कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ये चीजें याद रखनी जरूरी है। अब आपको पता होना चाहिए भैया कौन से ग्राउंड जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के हैं, कब आपको वाइफ की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, कब अडॉप्शन के वक्त। तो ये चीजें जब आप रोज पढ़ते जाओगे, जरूरी नहीं है बैरेट मत खोलो, क्लास में बैठ भी जाओगे तो आपका यहां पे रिवीजन होने वाला है। ठीक है, ओके ठीक है, देखो ये सब ठीक है, चलो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताना जरूरी है। जिसने अभी तक कोर्स प्लस कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए ये जरूरी है। ठीक है, अगर आपने प्लस कोर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ हो गया है या फिर छत्तीसगढ़ हो गया या फिर झारखंड वाले, देखो आप लोगों की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, यूपी दिल्ली तो मान के चलो अगले 2 महीने में आने ही आने वाली है, इसलिए जरूरी है सब्सक्रिप्शन ले लोगे टाइम पे तो बाद में मगजमारी नहीं करोगे, बाद में आपको भागना नहीं पड़ेगा। आई विश थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए। अच्छा शिशिर जी, तो फिर मतलब क्या 6 बजे वाली क्लास यही ले लेगा, 6 बजे वाली रेगुलर क्लास और 7:15 बजे वाली मेंस की क्लास भी यही ले लेते हैं। ठीक है, लंकेश्वर लिख रहा है लाल फूल नीला फूल, शिवानी मैम ब्यूटीफुल, ठीक है थैंक यू लंकेश्वर। ओके चलो हाँ जी, अब सब लोग भोजन करके निद्रा सागर में चले जाओ। ठीक है हाँ जी, तो अब एक चीज और सुनते हुए जाएंगे आप सब लोग, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस चीज के बारे में ध्यान रखना, आपके काम की चीज है, अगर नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी नहीं, प्रॉपर स्लाइड्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में एक आपको शॉर्ट में सारे केस लॉज का जो ऑब्जेक्टिव है या सारे केस लॉज में क्या क्या जजमेंट हेल्ड हुआ है लिव इन रिलेशनशिप से सारा एक शॉर्ट लगभग 1 घंटे का ही सेशन होगा 19th of January 9 PM। आखिरी बार YouTube पे दिला रही हूँ याद, उसके बाद मंडे को आऊंगी, अगले मंडे को आएंगे, अगले मंडे को हम क्या डील करने वाले हैं, अगले मंडे को हम मुस्लिम लॉ डील करेंगे यहाँ पे, तो मुस्लिम लॉ के लिए जरूर आएंगे सब लोग। मुस्लिम लॉ के बाद इधर हम टीपी एक्ट डील करेंगे, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मान के चलो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी लगभग 3 से 4 घंटे की हमारी क्लास हो सकती है। ठीक है ओके, पारस जी, शिशिर जी, मधु जी, हाँ तो मुझे लग रहा है कि 5 बजे वाली 6 बजे वाली यहीं से ले लेते हैं, उसके बाद 6:15 बजे वाली भी यहीं से ले लेंगे। साथ ही साथ देखो अब इस वीक का 14, 15, 17 की क्लास हो चुकी है, अब आपकी 2 क्लासेस हैं 18th और 19th की, तो लोकल लॉ की और जीके की आप जो क्लासेस हैं वो जरूर क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है आपकी फेवरेट फैकल्टीज जो भी हो गए हैं, फेवरेट फैकल्टीज वो वंस इन अ वीक ही यहां पर आने वाले हैं। अच्छा लिव इन रिलेशनशिप की क्लास में हेडफोन्स लेके आना, नहीं मैं उस क्लास में भी सबको सपरिवार ही इनवाइट कर रही हूं, सब लोग सपरिवार ही आने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल इन टुडे सेशन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।